हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिकली वो टर्म जिनको समझना कंपलसरी है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स, लाइक एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉसेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की। आपका पहले कॉमर्स बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अकाउंटिंग बेसिकली एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो देर आर सर्टेन वर्ड्स विच वी हैव टू यूज़, लाइक इन हिंदी वी यूज़ ए आ का ख गा, इन इंग्लिश वी यूज़ ए बी सी डी। तो इन अकाउंट्स वी जनरली यूज एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉस, डेटर, क्रेडिटर, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, बैड डेट्स। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। तो बेसिकली दीज टर्म्स आर नोन एज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लियर है? इंग्लिश में समझाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वाइल स्टडिंग अकाउंट्स यू ऑलवेज हैव टू अज्यूम यूर सेल्फ एज अ बिजनेस। यू आर ए बिजनेस। आप क्या हो? बिजनेस हो। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बात कहता है, ठीक है जी। अब गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है? गुड्स बेसिकली वो आइटम जिसमें हम डील करते हैं, टेंजिबल होते हैं। सर्विसेज बेसिकली क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं। सर्विसेज कैन नेवर बी सेपरेटेड। सर्विसेज से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। गुड्स, आप दुकान पे जा रहे हो, आप सामान खरीदा, दैट इज गुड्स। गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिसमें बेसिकली हम डील करें। यस, दीज आर द स्टॉक इन ट्रेड्स। एवरीथिंग इज मैंशन इन माई नोट्स, यू कैन रीड इट एंड यू कैन गो थ्रू द इन डिटेल वीडियोज ऑल्सो। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सामान बेचते हैं। बिजनेस विल बी आइदर ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इसके अलावा बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस या तो गुड्स देने का होगा सर, चाहे आप किसी भी बिजनेस को उठा लीजिए, गुड्स या सर्विस के अलावा जनरली और चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। समझ में आया नहीं है? तो बिजनेस बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, वेयर गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लाइक संजय क्लासेस इज अ बिजनेस, क्योंकि संजय क्लासेस क्या कर रहा है मेरे बच्चे बताओ? सर्विसेज दे रहा है, रेगुलर बेसिस पर दे रहा है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कुछ कुछ लोग सोचते रहे कोचिंग बिजनेस थोड़ी होता है, कोचिंग बहुत बड़ा बिजनेस होता है। या स्कूल, यू कैन से इट इज़ नॉट अ बिजनेस। स्कूल कम्स अंडर द हेड ऑफ NPO। NPO हम पढ़ेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले फाइनल अकाउंट्स करने के बाद जब कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, हाँ, इनका मकसद पैसा कमाना, हाँ, इनका जो पर्पस होता है प्रॉफिट्स कमाना नहीं होता, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? NPO या NGO भी बोलते हैं। स्कूल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, कॉलेजेस हो गए, ICI हो गया, है ना। आई थिंक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर वो एक अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। चलो, उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वेयर वी आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड मेकिंग दैम इन फिनिश गुड्स बाय प्रोसेसिंग, एंड ट्रेडिंग बिजनेस जहाँ पर हम सामान खरीद रहे हैं और एज इट इज़ हम सेल कर रहे हैं, ना, उसको स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं। सर्विस बिजनेस सिंपली बिजनेस इन विच वी आर नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। सेम नोट्स है, डोंट वरी। बस क्या है, ये थोड़े कंप्यूटराइज हैं, ये आपके हैंडमेड्स हैं, बोथ आर सिमिलर। हाँ, रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश प्रोडक्ट, ये मैंने आपको समझाया था। रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, इस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा चीज़ जिस पर कुछ परसेंटेज काम हो चुका है एंड कुछ परसेंटेज काम अभी बाकी है। एंड वट इज़ फिनिश गुड्स विच इज़ रेडी फॉर सेल। बस भैया फिनिश है, ले जाओ, बस खरीद लो, बस खत्म। समझ में आया नहीं? वट इज़ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होता है? बिजनेस के द्वारा किए गए लेन देन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन जनरली दो पार्टीज के बीच में होती है, और ट्रांजेक्शन है तो आप हो, ट्रांजेक्शन है तो मैं हूँ, ट्रांजेक्शन है तो ये इकोनॉमी है, ट्रांजेक्शन है तो अकाउंटिंग है। समझ में आया नहीं है? आज आप यहाँ बैठे हो तो बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं आपको रिकॉर्ड क्यों करूँगा बताओ? अभी ये ट्रांजेक्शन होगी हमारे बीच में, आई एम रेंडरिंग यू द सर्विसेज, सर्विसेज दूंगा, फिर आप लोग मुझे क्या दोगे? फीस दोगे। फीस की क्या होगी मेरे बच्चों बताओ? रिकॉर्ड। आप ट्रांजेक्शन की वजह से ही ये पढ़ाई भी कर रहे हो, बात समझ में नहीं है? आप कॉमर्स लाइन में जा भी किस वजह से रहे हो? क्योंकि भाई हम अकाउंटिंग किस चीज़ की करेंगे, आप मुझे बताओ। ये जो बाहर दुकान अभी सुबह सुबह देखो, 6 बजे उठते के साथ ही आप उठे और इतने कोई रेडी वाले फ्रूट्स ने लगा रखा है, चैंपियन चल रही है, बसेस चल रही हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, किस लिए? वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू अर्न मनी। तो वो जो सब कुछ हो रहा है बेसिकली क्या है? ट्रांजेक्शन। समझ में आया ना? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डूइंग फॉर मनीट्री पर्पज। तो वैन इट कम्स टू द बिजनेस, देखो आपको हमेशा बिजनेस हो, आप जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो यू आर ए बिजनेस, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट। उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। जब मैं आपको बोलूँगा बिजनेस हो तो बिजनेस हो, आपको बिजनेस का अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। समझ में आया? कल को आप FM पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी फाइनेंस मैनेजर की। आप एक मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मार्केटिंग की। जैसे मुझे अकाउंट्स पढ़ाना है तो मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स की, मुझे और सब्जेक्ट से ऐसा कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? कुछ नहीं है।
तो वाइल स्टडिंग द अकाउंट, जो मैं आपको एक चीज दिमाग में सेट कर रहा हूँ, आपको अपने आपको अकाउंट वो बिजनेस मानकर चलना है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है, समझ में आया. अब बिजनेस की ट्रांजेक्शन के बारे में हमने सोचना है. आप भी डेली बेसिस पे काफी सारी अभी मैंने ट्रांजेक्शन करी है, आते आते मैं दूध लेके आया हूँ. मैंने कहा दूध नहीं होगा, चलो यार चाय वाय बना लेंगे, थोड़ा सही रहेगा. तो दूध लेके आया तो 33 का आई थिंक दूध आया, जो भी था. तो एक वो ट्रांजेक्शन हो गई और वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है. समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जो ये जो जैसे चाय पानी का खर्चा होता है, हमारा स्टाफ वगैरह रहता है, हम उनको क्या करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं. तो हाँ, स्टाफ वेलफेयर तो नहीं है, थोड़ा बहुत खाने पीने का हो गया, हाँ मिसलिनियस में हम डाल देते हैं इन सब चीज़. समझ में आया ना? तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है और ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन. अब मैंने बताया ये पंखा घूमता है, तो पंखा घूमता है तो बिजली का बिल पे करना पड़ता है, लाइट जल रही है, वाईफाई की कनेक्टिविटी, ऐप हमारी बनी हुई है, ऐप के चार्जेस हैं, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये जो मार्कर खरीदा गया इसमें इंक डलती है, मार्कर खरीदना. समझ में आया नहीं है? तो दीज ऑल आर दी ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. आगे आगे बोलेगा इन ट्रांजेक्शन की जर्नल बनाओ, इनसे लेजर बनाओ, इनसे ट्रायल बैलेंस बनाओ, इनका फाइनल अकाउंट्स करो. समझ में आया नहीं है? तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है बेसिकली ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, तो ध्यान रखना. ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन्स के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं और हर एक ट्रांजेक्शन मेरे बच्चों क्या करती है, इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करने का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करती है. और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स ऑफ अ बिजनेस ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. और आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स इनको इस इक्वेशन को क्या करती थी, इफेक्ट करती थी. वो बात अलग है, इक्वेशन हमेशा क्या रहती थी, बैलेंस रहती थी. अब अगर आप इसी को बोलो तो एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज ही तो कहाँ आती है मेरे बच्चों, बताओ, बैलेंस शीट में आती है. एसेट्स यहाँ पर क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, फिर कैपिटल आते हैं. तो बैलेंस शीट में एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी आ रहा है, और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजिशन कौन शो करता है, बैलेंस शीट. समझ में आया ना? तो इनडायरेक्टली आई वी कैन से हर एक ट्रांजेक्शन क्या करती है, फाइनेंशियल पोजिशन को अफेक्ट करती है. समझ, कोई थोड़ा करती है कोई कम. अब एग्जांपल ध्यान रखना, सेल गुड्स, परचेज गुड्स, चेयर परचेज, टेलीफोन चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, हमारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है भाई साहब, क्लियर है जी? कौन है सुबह सुबह? स्टेटिंग डिफरेंटली इन इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर हम अकाउंटिंग की बात कर सॉरी इसकी बात करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो एक तरीके का ये एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइदर वी विल ट्रांसफर द गुड्स और प्रोवाइड द सर्विसेज. लाइक हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो, मैंने बोला भाई डेमो क्लासेस आपकी इतनी फीस रहेगी, दो या तीन डेमो मिल जाएगी, इसके बाद आप लोगों को सब. तो दिस एन एग्रीमेंट, लॉ में हम इसको पढ़ेंगे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर वो फिर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से चले आता, हमें इतना डीप में नहीं जाना. हाँ बिल्कुल कंसिडरेशन, हमें यहाँ पर बस ये देखना है कि यार मैं आपको ये काम करूँगा एंड इन रिटर्न यू हैव टू गिव मी द कंसिडरेशन. समझ में आया ना? और वो जो कंसिडरेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, अकाउंटिंग कहेगा वी विल नॉट रिकॉर्ड इट. समझ में आया नहीं आई? और इसी चीज़ को हम किससे कनेक्ट करते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. बोलो कौन सा प्रिंसिपल, मनी ट्रिप या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग खाली उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. समझ में आया नहीं? अगर किसी ट्रांजेक्शन का संबंध पैसे से नहीं है तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी है, ये अकाउंटिंग का एक कहते हैं नेगेटिव पॉइंट भी है. क्योंकि लाइक मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग इग्नोर इट, कहता है कि इससे मतलब नहीं, आप अच्छा पढ़ा रहे हो या बेकार पढ़ा रहे हो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, मनी फ्लो नहीं हो रहा. हाँ उसमें मनी का हम वी कांट मेजर. तो अकाउंटिंग किसको रिकॉर्ड करेगा, क्या अच्छा भाई तू जो पढ़ा रहे ना उससे पैसा कितना आ रहा है, दैट विल. अब मान लो प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो रही है, तो अकाउंटिंग कहेगा जी हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज द फाइट कैन नॉट बी द इक्वरल, जो भी इनके बीच में झगड़ा हो रहा है क्वारल जो भी, उसको हम वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. लेकिन एक बात हो, प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच में अगर आपस में लड़ाई हो जाएगी तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन नहीं करेगा, सेल्स मैनेजर ये नहीं बताएगा सेल कितने की है, उसकी वजह से अल्टीमेट इफेक्ट किसका हो रहा है, एंटिटी का. अल्टीमेट इफेक्ट किसका हो रहा है, बिजनेस का. और अकाउंटिंग कह रहा है हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है? अब थोड़ा थोड़ा मैं स्पीड पकड़ लूँ बात, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आई एम डूइंग खाली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, नहीं, मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ साथ जो जो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ जा रहा हूँ. समझ में आया नहीं है? एक बार देखो, इंटरनल सेटिस्फेक्शन होनी बहुत जरूरी है. तो दो प्रिंसिपल मैंने अभी तक आपको समझा दिए हैं, कौन कौन सा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल इज मनी मेजरमेंट. ठीक है,
चलो व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, तो सेटलमेंट के बेसिस पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो देर आर ट्रांजेक्शन लाइक कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट की बात करते हैं तो इंटरनल ट्रांजेक्शन, और ये वाली कौन सी ट्रांजेक्शन है, बेसिकली एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन इट्स वेरी वेरी इजी, कैश ट्रांजेक्शन सिंपली मीन्स हमने सामान खरीदा और बेचा और हैंड टू हैंड हमें पेमेंट मिल गई, विद इन टाइम से पेमेंट मिलना या देना, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार ट्रांजेक्शन, जब हम क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं बट वी विल मेक द पेमेंट्स ऑन अ लेटर डेट, या हमने सामान बेचा और हम पैसा बाद में मिलेगा। इंटरनल ट्रांजेक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रांजेक्शन जिसमें एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, डेप्रिसिएशन बना ले, रिजर्व वगैरह बना ले, वट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सिंपली मीन्स किसी फिक्स एसेट्स की रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑप्शन स्कैंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ तो डेली बेसिस पे इसकी वैल्यू डाउन, कल मैंने लैपटॉप से पढ़ाया था, वेबकैम से पढ़ाया था, डिपेंड्स कि हम कौन सी एसेट यूज़ करते हैं। तो जब भी हम एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू, तो जो बुक वैल्यू में गिरावट होता है, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, समझ आया। एंड वट इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, सॉरी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन तो सिंपली है यार, जो किसी दूसरी पार्टी के बीच में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक अलग पार्टी हूँ, आप एक अलग पार्टी हो तो आपसे कंसिडरेशन ली जाएगी, मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो वी हैव टू पे द रेंट, तो समझ में आया। ये सारा सब कुछ मेरे बच्चों मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। देन अब नाउ द नेक्स्ट इज एंट्री क्या है, वाउचर क्या है, जनरल क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। वाउचर इज बेसिकली एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक अकाउंटेंट। अब देखो यहाँ पर आ जाएगी एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ बातों बातों में, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देखो अब सारे बच्चे क्या है, व्हाट इज वाउचर, वाउचर बेसिकली एक एविडेंस होता है एक बिजनेस ट्रांजेक्शंस का। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू सबमिट द फीस आई विल गिव यू द रिसीप्ट, संजय क्लासेस विल प्रोवाइड यू रिसीप्ट, तो रिसीप्ट इज एन वाउचर। जब आप डीटीसी बस में जा रहे हो आपको टिकट मिले, दैट इज एन वाउचर। तो वाउचर एक एविडेंस होता है, यस बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। विशाल मेगा मार्ट में जाओ, जय श्री, किसी भी अच्छी जगह जाओगे आपको हमेशा एक बिल वगैरह मिलेगा। अकाउंटेंट देखो, आप मान लो जरूरी नहीं है कि अकाउंटेंट किसी भी एंटिटी, कोई परमानेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट ही बिल बना रहा होता है, ऐसा नहीं है। अकाउंटेंट का भी एक अच्छा खासी रिस्पेक्टफुली जो है अच्छा खासा एक दर्जा रहता है। रिसेप्शन वाले पर्सन अलग रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ अलग रहता है, एंड अकाउंटिंग का स्टाफ क्या रहता है, अकाउंटेंट वो व्यक्ति जो आएगा कि हाँ जी आज के दिन ट्रांजेक्शन हुई है, लाओ मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन वो किसके आधार पर रिकॉर्ड करेगा, ऐसा नहीं वो किसी को बुलाएगा, हाँ भाई बता क्या तू बोलता रहे मैं सुन रहा हूँ मैं रिकॉर्ड कर, नहीं वो कहता है मुझे एविडेंस दो, शो मी द एविडेंस। क्या होते हैं, बिल होते हैं, कैश मेमो होते हैं, इनवाइस होते हैं, रिसीप्ट होती है, कोई भी स्क्रीनशॉट होते हैं। आज के टाइम आप पेमेंट करोगे गूगल पे से, एंड साथ के साथ यू विल शेयर मी द, सो स्क्रीनशॉट आल्सो वर्क एज एन एविडेंस कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, समझ में आया नहीं है। तो वाउचर के आधार पर अकाउंटेंट क्या करता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और इसी चीज को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात या नहीं, तो एज पर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, कल को अगर आपके पेपर में आता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, सर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेज। अकाउंटेंट किसी के कहने से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, अकाउंटेंट उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा जिसका एविडेंस है। समझ आया है कुछ नहीं, अरे यहाँ पे अकाउंट्स की किताब रखी थी, देखो अकाउंट से उसकी बीकॉम वाली थी, ये तो नहीं, चाय ले लो ठंडी हो जाएगी। नई वाली किताब थी वो कहाँ चली गई यार, चलो कोई नहीं, ठीक है भाई सब क्लियर होगी बातें जी, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद देखो नोट्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आप ना एक सिस्टमेटिकली समझो कि वाउचर आएगा, वाउचर को फिर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर एंट्री बन जाएगी, समझ में आया। तो एक जैसे ABCD होता था ना, ऐसे समझाने की कोशिश करिए कि कनेक्टिविटी बुक्स में ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। जर्नल क्या होता है, जर्नल बेसिकली एक बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को डेट वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एंड व्हाट इज एंट्री, व्हेन अ ट्रांजेक्शन और इवेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट बिकम्स द एंट्री, यानी कि जब हम जर्नल में एंटर कर देते हैं उसको हम एंट्री बोलते हैं, समझ में आया नहीं। अब मैंने एक वर्ड बोला इवेंट, इवेंट बेसिकली होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या होता है बेसिकली, जा रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, समझ में आई बात या नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा आ रहा है, दो बच्चा आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या मेरा एनर्जी लेवल सेम है, क्यों
भाई अब शाम के टाइम भी हम पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चलो कॉलेज को अलग रख देते हैं, तो वाई? बिकॉज ऑफ द गेटिंग द रिजल्ट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल आइदर अर्न प्रॉफिट, इट विल आइदर अर्न प्रॉफिट्स और सफर लॉसेस। तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज बेसिकली रिजल्ट होता है। समझ में आया नहीं है? तो हम निकालना सीखेंगे अकाउंटिंग की, इसीलिए तो है। आप अगर अच्छे से अकाउंटिंग कर लेते हो तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उन सब की आप क्या कर पाओगे, पूरे डाटा मेंटेन कर पाओगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है बताओ? खाली यही सब चीज़, आप खाली अकाउंटिंग नहीं, फिर उसके बाद उनका इनकम टैक्स, GST, लॉ, फाइनेंस, सब कुछ। आपको इसी चीज़ में एक्सपर्ट, अब हम कोई चीज़ बनाना तो नहीं सीखेंगे। साइंस वाले बंदे सीख रहे हैं भैया पंखा घूम कैसे रहा है, ये जो भी इसके अंदर चीज़ें वो बना रहे हैं। नीट में कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो भैया हमारी बॉडी के बारे में सब कुछ सीख रहा है ना भाई। दुनिया देखो कितनी स्पेशलाइजेशन होती है नीट के। तो ऐसे हमारी फील्ड में भी आगे जाके क्या होगी स्पेशलाइजेशन, कि आप मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी चुन रहे हो तो आपको डिसाइड करना हो कि मैं डायरेक्ट टैक्स में जाऊँ, इनडायरेक्ट टैक्स में जाऊँ, या फिर मैं फाइनेंस में जाऊँ, ऑडिट में जाऊँ, इतनी सारी चीज़ें हो जाएँ। बट अकाउंटिंग आपकी हर जगह काम है, जैसे CA फाउंडेशन में भी अकाउंटिंग है, इंटरमीडिएट में भी अकाउंटिंग है, एंड फाइनल में भी अकाउंटिंग है। समझ आया नहीं है? अकाउंटिंग से ही सारी चीज़ों के तार जुड़े हुए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से करके चलना है। तो कोई आपसे पूछता है जर्नल क्या है, तो जर्नल बता देना भाई वो किताब है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, बस सीधी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर टेक्निकल शब्दों में बात करूँ तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंट्री क्या होता है, जब हम किसी ट्रांजेक्शन या इवेंट को एंटर कर देते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो क्या बन जाती है, एंट्री। समझ में आया नहीं है? लाइक मैं एंट्री बनानी सिखाऊंगा आज आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री में जब भी हम करेंगे तो कोई चीज़ डेबिट होगी, कोई चीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सब आ रहा है। इसके लिए वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। नाउ There are certain terms which are related with the goods. अब हमें उनको क्या करना है, यहाँ पर समझना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? तो ध्यान रखना आप बेटा, ध्यान से थोड़ा। तो गुड्स से रिलेटेड देर आर सर्टेन टर्म्स हैं विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? अब गुड्स से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं, जब कभी भी गुड्स, तो अब आपको पता चल गया है, देर इज अ टर्म दैट इज परचेज। सब कुछ नोट्स में मैंशन है, डोंट वरी, बट यहाँ समझेंगे। परचेज है और साथ में क्या है हमारा, एक सेल्स है। तो कुछ ऐसे टर्म हैं जो, जैसे परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है। तो अब बेसिकली क्या होता है, देखो परचेज एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम अकाउंट्स में यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। देखो परचेज एक इंग्लिश वाला टर्म भी है, सुना होगा परचेज का मतलब खरीदना, बाय। बट ठीक है, वो भी है, इंग्लिश का टर्म भी होता है, बट वेन इट कम्स टू द अकाउंट्स और वेन एवर वी आर परचेजिंग द गुड्स, तो वी विल ऑलवेज प्रिपेयर, कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, परचेजेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेजेज। तो परचेजेज एक अकाउंटिंग टर्म हो गया है जो हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। कभी भी आपको बुक्स में गुड्स अकाउंट नहीं देखने को मिलेगा, आपको गुड्स के बदले कौन सा देखने को मिलेगा, परचेज। और तो फिर आप समझ जाना, अच्छा परचेज अकाउंट है, इसका मतलब हमने क्या परचेज कर रखा है, गुड्स परचेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। एसेट्स बेसिकली वो चीजें जो हम खरीद रहे हैं, या तो उसके लिए खरीद रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। एसेट्स के लिए वी विल सिंपली प्रिपेयर द एसेट्स अकाउंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, इनकेस अगर मैं क्या खरीद रहा हूँ, मशीनरी, तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, मशीनरी अकाउंट। अरे बोलो, मैंने लैपटॉप खरीदा तो कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, लैपटॉप। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर फिक्स है, तो जो भी मैं खरीद रहा हूँ वही अकाउंट बनेगा। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बिजनेस टी शर्ट्स बेचने का है एंड मैंने 500 टी शर्ट्स खरीदी, मेरा रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, मैंने 500 टी शर्ट्स खरीदी, ट्राउजर खरीदे, शर्ट्स खरीदे, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर टी शर्ट ट्राउजर शर्ट्स अकाउंट, नहीं, मैं सीधा कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, परचेज अकाउंट। समझ में आया नहीं आया? yes, तो परचेज बेसिकली एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ। नॉमिनल नेचर का बेसिकली अकाउंट होता है, खर्चा होता है हमारा, जिसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब परचेज हमारे पास दो तरीके का मिलेगा, वी विल हैव ए कैश परचेजेस एंड देर इज अ क्रेडिट परचेज। व्हाट इज कैश परचेज, व्हेन एवर वी आर परचेजिंग द गुड्स एंड द पेमेंट इज मेड टाइमली और विद इन टाइम, और मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गई है। पेमेंट कैन बी कैश, पेमेंट कैन बी इन ऑनलाइन, जैसे चेक के थ्रू हो सकती है, पेटीएम, गूगल पे, जैसे मर्जी करो आज के टाइम। तो बस विद इन टाइम पेमेंट हो रही है, दैट इज़ कैश परचेज। क्रेडिट परचेज मीन्स हम लोगों ने सामान खरीदा एंड वी विल पे लोन, चाहे वी विल मेक द पेमेंट्स ऑन अ लेटर डेट। हमने सामान खरीदा बट अभी हम हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट क्रेडिट परचेज, इसको हम बोलेंगे उधार खरीदारी। समझ में आया नहीं है? अब क्रेडिट परचेज से ही क्या होगा, कुछ और वर्ड बनते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बिजनेस है, आपको हमेशा अपने आप को क्या मानकर चलना है, बिजनेस। तो बिजनेस किसी ना किसी से तो क्या करेगा, उधार सामान खरीदेगा। तो
तो बिजनेस जिन लोगों से उधार सामान खरीदता है, तो उन लोगों को बेसिकली हम क्या कहते हैं, दीज पर्सन आर नोन एज क्रेडिटर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। जैसे कि मैं बिजनेस हूँ, मैं हमेशा बोलूंगा ना मैं ही कर रहा हूँ, तो दैट इज़ यूज फॉर द बिजनेस। मैं बिजनेस हूँ तो बिजनेस ने कहीं से क्या करा, सामान। अब जब सामान खरीदूंगा तो मैं ऐसे ले जाऊँगा, ऊपर मैं हाथ करूँ, मैंने किसी से उधार सामान खरीदा या सर्विसेज ली, तो वो लोग जिनसे हम उधार सामान ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, दीज आर क्रेडिटर्स। मैंने उनको ऊपर क्यों बिठाया है, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, कर्जा है। दीज आर लाइबिलिटीज फॉर मी। लाइबिलिटीज क्या होती है, कर्जा। कर्जा क्या होता है, विच वी हैव टू पे बैक, जो हमें पे करना। समझ में आया, कुछ नहीं है? ठीक है बच्चों, क्लियर बातें। एंड when इट्स कम्स टू द सेल्स, सेल्स क्या होता है, सेल्स भी बेसिकली एक अकाउंटिंग टर्म्स है। सेल्स भी बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग टर्म है, यूज इन, जिसको हम यूज़ करेंगे, यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। जब कभी भी हम सामान बेचेंगे तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। समझ में आया नहीं है? ये वर्ड तो आपने ज़्यादातर सुना भी होगा, आप किसी गोलगप्पे वाले के पास जाना, टिक्की वाले के, जब आप शाम को खड़े हुए गोलगप्पे टिक्की खा रहे हो, तो उससे पूछना, और भैया आज की सेल कितनी हुई आपकी, तो देखना वो समझ जाएगा। जब आप किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, लेमैन को भी बोलोगे ना भाई सेल कितनी है, तो कई बार तो वो सोचते हैं अरे भाई क्यों बताऊं यार, मैं तेरे को ऐसे जो नॉर्मल बनाए भाई सेल बताने से कम हो जाती है, बतानी नहीं चाहिए। नहीं भाई, वो कहते हैं, वो इनडायरेक्टली बता, कह रहे भैया हो जाती है ठीक ठाक, बस खर्चा पानी निकल जाता है। कुछ कुछ बंदे क्या होते हैं, बता भी देते हैं, या फिर कभी कभार आप उनसे कन्वर्सेशन करोगे, बारिश आ गई मान लो, तो या फिर जैसे अभी पोल्यूशन चल रहा है आजकल, तो वो यार आजकल ना सेल बड़ी कम हो रही है, अभी ये पोल्यूशन बहुत हो गया, बारिश की वजह से ना सेल नहीं हो पाए, आप समझ रहे हो। तो व्हेन दे आर यूजिंग द वर्ड सेल्स, व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स फॉर, मतलब इट सिंपली मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, यानी कितने की वैल्यू का उन्होंने क्या करा, सामान लेकर। समझ में आया ना? अब गोलगप्पे वाला है तो उसमें गोलगप्पे टिक्की जो भी सब कुछ है सब आ जाएगा उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि खाली एक पार्टिकुलर आइटम की। वो बात अलग है कि जब एक बड़ी बड़ी एंटिटी है वो तो पूरा स्टॉक का डिटेल मेंटेन करती है, इन्वेंटरीज वगैरह मेंटेन करती है, उसको तो पता रहता है किस आइटम की कितनी सेल हो रही है। समझ में आया नहीं है? तो सेल भी मेरे बच्चों कितने तरीके की मिलेगी, दो तरीके की। कौन कौन सी सेल रहेगी, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल। व्हाट इज़ कैश सेल, हमने सामान बेचा और हैंड टू हैंड हमारे पास पैसा है तो उसको बोलते हैं कैश सेल। एंड व्हाट इज़ क्रेडिट सेल, हमने सामान बेचा और पैसा हमें लेटर डेट पर मिलेगा। समझ में आया? अब देखो सेल से रिलेटेड, क्रेडिट सेल, सेल से रिलेटेड एक वर्ड आएगा डेटर। कौन सा वर्ड आएगा, डेटर। तो बिजनेस जिन लोगों को क्या कर रहा है, उधार सामान दे रहा है। बिजनेस अगर किसी को क्रेडिट सेल कर रहा है, या फिर इन केस वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग क्रेडिट सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग इन लोगों को, तो बेसिकली ये लोग हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर। दीज लोग आर, दीज पर्सन आर नोन एज द डेटर। तो डेटर वो लोग हैं जिन्हें हम उधार सामान देते हैं या जिन्हें हम उधार सर्विसेज देते हैं, जिनसे हमने क्या करने हैं मेरे बच्चे बताओ, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। फ्रॉम दोज पर्सन्स वी विल रिसीव द अमाउंट, जिनसे हमें पैसे मिलेंगे। तो बताइए डेटर्स हमारे लिए क्या बन जाएंगे, डेटर्स विल बी कंसिडर्ड एज एसेट। डेटर हमारी क्या बन जाएगी, एसेट्स। क्यों है एसेट्स, क्योंकि इनसे हमें एसेट्स बेसिकली वो चीज़ होती है जिस पे जो हमारी संपत्ति है, जिस पे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट्स दे, जिसकी मनी वैल्यू होती है, दैट इज़ एसेट्स। समझ, मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरी फाइनेंशियल पोजिशन को इम्प्रूव करेगा। समझ में आया ना? तो बेसिकली एसेट्स, डेटर भी क्या होते हैं, हमारी एसेट्स। अब एसेट्स भी कई तरीके की होती है, तो इसी में कौन सी एसेट्स ये बनेगी, डेटर कौन सी एसेट्स बनेगी, आपकी करंट एसेट्स। कौन सी एसेट्स बनेगी, करंट। डोंट वरी, सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं, ठीक है, बट कुछ चीज़ें फ्लो चार्ट फॉर्म में समझ लें तो हम ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये डेटर्स की बात होगी, एसेट्स होगी, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, अब डेटर्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी टर्म्स आ जाएंगे। डेटर्स रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो सर हमारे पास टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे, अगर हम डेटर्स रिलेटेड बात करते हैं तो सर डेटर अच्छे भी हो सकते हैं, मतलब डेटर्स से रिलेटेड वर्ड हैं, डेटर्स के टाइप नहीं है ये, ठीक है। रिलेटेड, डेटर्स रिलेटेड वर्ड जिनका संबंध किससे है, डेटर्स से। डेटर्स रिलेटेड एक वर्ड होगा सोलवेंट, फिर एक क्या होगा, इंसॉल्वेंट। समझ में आया? और इंसॉल्वेंट से संबंधित वर्ड कौन सा निकलेगा, बैड डेट्स। तो ये हमें कनेक्टिविटी के साथ पढ़ रहे हैं। और फिर बैड डेट से संबंधित एक वर्ड कौन सा निकलेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। कौन सा वर्ड निकलेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो सो दैट कि हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म तक क्या हो जाएं, सेट हो जाएं दिमाग में। अब सॉल्वेंट का मतलब होता है अच्छे लोग। मैंने किसी को उधार सामान बेचा और मैं उनके पास पैसे लेने गया, भैया पैसे दे दो, या फ़ोन करा पैसे दे दो, तो दोज पर्सन्स वो आर एबल टू क्लियर देयर डेट्स ऑन टाइम। जो व्यक्ति कोई आनाकानी नहीं कर रहा है, रोना धोना नहीं कर रहा है, बेसिकली दे आर नोन एज सॉल्वेंट। एंड वो इज इन सॉल्वेंट, पैसे लेने गया, हाथ खड़े कर दिया,
हाथ खड़े कर दिया, दिवाली निकल, रोना धोना, रहे भैया पैसे नहीं यार, काम धंधा नहीं चल रहा है, दोज पर्संस वर नॉट इन अ पोजीशन टू क्लियर देयर डेट्स, वो व्यक्ति जो अपना कर्जा टाइम से चुका नहीं पा रहे, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। एंड व्हाट इज बैड डेट्स, बताओ बैड डेट्स क्या होगा? उम्मीद ही नहीं है पैसा। सर हमारे जो जो हमारा अमाउंट ई रिकवरेबल या अमाउंट ई रिकवर्ड फ्रॉम द डेट, जो डेटर से हमारा का अमाउंट ई रिकवर, जो डेटर से हमारा पैसा रिकवर नहीं हुआ, समझ में आनी है, उसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट। अब कोई इंसॉल्वेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई जानबूझ के नहीं दे रहा, तो जो पैसा हमें नहीं, जब आप मार्केट में काम करोगे तो आपको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क हमेशा बना रहता है। समझ में आ गया नहीं आ गया भैया? मान लो सर, हम सर एक बार बताओ, हमारा बैड डेट्स होए ना, हम उधार सेल ही क्यों करते हैं? कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर वी शुड नॉट सेल, क्योंकि उधार सेल करने की वजह से तो ये सब आ रहा है, डेटर्स किससे बन रहे हैं, उधार सेल करने की वजह से। सर आप इससे बढ़िया क्या है, उधार सेल ही मत करो। बट यार देखो, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपका बिजनेस किस तरीके का है, कुछ बिजनेस में काम चल जाए, कुछ बिजनेस में नहीं चले। अब आपका कॉम्पिटिटर अगर क्या कर रहा है, उधार सामान दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं होता, सीधी सी बात है, कस्टमर को बस अपना फ़ायदा होता है, सीधी कस्टमर रेशनल कस्टमर आजकल कम पैसे देगा एंड मैक्सिमम उसको क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, सीधी बात ये। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि भैया पहले दिन फीस सबमिट कराओ, आप लोग क्लास भी लेने नहीं आओगे, वाई? क्योंकि अपने एरिया में वो वाला सिस्टम ही नहीं बना हुआ है, अपने एरिया में क्या नहीं, पहले जाएंगे टीचर को समझेंगे, देखेंगे, समझ में आएगा देन वी विल ज्वाइन, अदरवाइज तो सर रहने देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं भाई, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें, नहीं भाई देखो ये लिखा हुआ है, चार पाँच साल पहले का नोटिस लगा हुआ है, फॉर 11 12th बीकॉम सीए क्लासेस विल नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट रजिस्ट्रेशन, समझ में आया, पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते, बट देखा कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया, छोड़ो भाई पहले डेमो ले लो। अब रजिस्ट्रेशन अगर हमारे लिए नुकसान पहुंचाए, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस क्या हो रही थी, फीस में क्या हो रही थी, एडजस्ट हो रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट देखो एक इंडस्ट्री होती है और हम इंडस्ट्री के ही क्या होते हैं, पार्ट है मार्केट के ही, हम भी तो एक फार्म, हमारी तो एक छोटी सी फार्म है ना, तो बेसिकली हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है, दैट्स वाई वी हैव टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, समझ में आया ना? अब जब हम उधार सामान बेचेंगे तो उसमें अच्छे लोग भी निकलेंगे, समझने के लिए, उसमें अच्छे लोग भी निकलेंगे और इसमें बुरे लोग भी निकलेंगे, समझ में आया नहीं है? और बुरे लोग फिर ये वाला काम भी करेंगे, व्हाट इज बैड डेट्स, जो हमारा अमाउंट रिकवर्ड नहीं हो पाया फ्रॉम द डेट, और बैड डेट्स हमारे लिए क्या बन जाएगा, लॉस। व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड, अब देखो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, मान लो मेरा 21-22 में कोई पैसा डूबा, 21-22 में मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, उससे मुझे 10,000 रुपये लेने थे फीस, तो 10,000 रुपये मेरे डूब गए, तो वो बन गया मेरा बैड डेट्स। और 22-23 में वही बच्चा जब दोबारा आया पढ़ने, मान लो 11th में था, 22-23 में कह रहा सर पढ़ना तो आपसे ही है, आप अच्छा पढ़ा, तो मैंने कहा अच्छा भाई थैंक यू, तो कह रहा सर, मैंने कहा भाई यार तेरी तो पहले की पेंडिंग फीस है, कह रहा सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पापा की जॉब वॉब छूट गई थी, ये लो सर आप अपनी पहले की फीस, समझ आया नहीं है? तो अब क्या होता है, 21-22 की जो मैंने लॉस मान लिया था, दैट लॉस हैज़ बीन रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर या और इन सम अनदर ईयर्स, तो बेसिकली जो डूबा हुआ पैसा वापस आ जाता है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, समझ में आए नहीं? और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है, समझ में आई बात ही नहीं? अब देखो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसको भी समझा देता हूँ। तो व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बिजनेस शैल बी कंटिन्यू, जो वैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, समझ में आया नहीं है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड एंड वी डोंट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज डाउन इट, हमें इसको क्लोज डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जानबूझकर हम इसके ऑपरेशंस को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये तो बात कौन कहता है, गोइंग कंसर्न। लेकिन यार एक बात बताओ, अब संजय क्लासेस 2008 में स्टार्ट हुआ है, अब हमारे को 2023 हो गया और आगे भी चलता रहेगा, हमें 15 साल हो गए हैं, तो क्या अब हम रिजल्ट 2000 जब बंद होएगा तब रिजल्ट निकालें, ऐसा थोड़ी होता है। लाइक आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया तो ऐसा थोड़ी हुआ कि आपका रिजल्ट सीधा 12th के बाद मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ, आपको हर साल क्या हुआ बताओ, रिजल्ट मिला, हर साल आपकी मार्कशीट आई, आई या नहीं आई, आपको पता चला आप कितने पानी में हो, क्या परफॉर्मेंस है, घर वालों ने अप्रिशिएट करा या डेप्रिशिएट करा, कुछ भी मान लो, मतलब सुना है या क्या करा,
किस लिए? बिकॉज हम रिजल्ट नहीं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी ये कहते हैं कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड करो, एंड हर एक पार्ट की आप क्या करो, अकाउंटिंग करोगे, हर एक पार्ट का आप क्या करोगे, रिजल्ट निकालोगे। समझ में आया नहीं? तो इसी वजह से जो जो साल के स्टार्टिंग का डाटा होता है वो ओपनिंग होता है, साल के एंड का डाटा क्या रहता है, क्लोजिंग होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्ट्स। हम एक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं एक साल के लिए। समझ में आया नहीं है? तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली एक पीरियड है जिसके जिस पीरियड के लिए हमें क्या करनी होती है, अकाउंटिंग करनी, यानी कि अपना अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, वो मैं आपको समझाऊंगा। समझ में आया नहीं? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। तो सर क्यों ना आप हमें थोड़ा बहुत दिखाई दो। तो वैसे तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ पर भी सारे वर्ड समझा रखे हैं, ये वाले नोट्स भी अच्छे हैं, सपोर्टिंग मटेरियल है ये क्लास 11th का, बहुत बढ़िया। वैसे मैंने भी गोइंग कंसर्न एजम्पशन समझाई, तो बेसिक तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती हैं, है ना? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोल दो या अजम्पशन बोल दो। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट एंटरप्राइज हैज एन इंडेफिनाइट लाइफ। एंटरप्राइज क्या होगा मेरे बच्चों? जिंदगी भर तक चलेगा, एग्जिस्टेंस है। इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस हैज नाइदर इंटेंशन टू लिक्विडेट नॉर टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो भी समझा रहा हूँ। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कोर, करंट, नॉन करंट में वो करते हैं। इसके बाद देखो मैं आपको जो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत बताया। एक एन एंटिटी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी। बिजनेस को एक एंटिटी माना जाएगा जो कि सेपरेट है, अलग है फ्रॉम इसके ओनर से। देयरफॉर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, एनालाइज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ। समझ में आई बात नहीं? द ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। ओनर अलग होता है, मैं हूँ, अब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस जो भी पैसा लगाता है ओनर बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटीज। ओनर कहता है तू तो बाहर, बिजनेस कहता है भाई तू तो मेरे लिए अलग है, मैं तुझे अपना नहीं मानकर चलूंगा, मैं तो ये मानकर चलूंगा कि मैंने तेरे से पैसा उधार ले रखा है। समझ में आया नहीं है? क्योंकि तभी तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर पाऊंगा। अगर मैं अपना ही मान लूंगा तो फिर क्या होगा, ओनर बिजनेस से कुछ से कुछ निकालता रहेगा, वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, फिर कभी बिजनेस का रिजल्ट्स सही नहीं मिले। समझ में आया नहीं? ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एज इफ द फर्म हैज बोरोड, इस तरीके से जैसे कि फर्म ने क्या करा है, ओनर से पैसा लिया है। लाइक समझ में आया नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है ओनर को, कैपिटल भी इंटरेस्ट देते हैं। इसके बाद एक मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बात समझ में आई नहीं है? खाली वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो रही है विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। एंटरप्राइज बोल दो, बिजनेस बोल दो, एंटिटी बोल दो, दिस इज सेम थिंग। नॉन मनीटरी इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ एन एम्प्लॉई, मैनेजर, स्ट्राइक, डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड। स्ट्राइक चल रही है, डिस्प्यूट चला है, हटाना, इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ में आई? इवन दो दीज इवेंट्स आर अफेक्टेड द बिजनेस ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, जबकि ये बिजनेस के ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से क्या करती है, अफेक्ट करती है। समझ आए? देखो हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, खाली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ साथ जहाँ जहाँ जो भी प्रिंसिपल आ रहा है उसको मैं आपको कनेक्ट, अब आपको मैंने पढ़ा दिया, पढ़ो घर पे आकर, नोट्स बनाओ जो भी कुछ लगे। अब इसके लिमिटेशन है, पेपर में एक आधा प्रिंसिपल जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज, सेटिस्फाइड कस्टमर्स, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज, अब हटा कहता है यार मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज इग्नोर मारो, अच्छा है
कोई एम्प्लॉई दिन रात एक कर रहा है उसको भी इग्नोर मारो, कोई एम्प्लॉई काम नहीं कर रहा उसको भी इग्नोर मारो, जबकि जो एफिशिएंट वाला एम्प्लॉई है उसकी तो वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आया? सेटिस्फाइड कस्टमर, कोई कस्टमर हमारे लिए रेशनल कस्टमर वो बन रहा है, लॉयल कस्टमर बन रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, वो बार बार आए, रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स खरीदेगा। वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट स्टैटिक, मतलब मनी की वैल्यू क्या होती है तो चेंज होती रहती है। टू मेक अकाउंटिंग सिंपल रेलिवेंट अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजीनियस ट्रांजेक्शन्स आर एक्सप्रेस इन कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग को आसान करने के लिए हम ट्रांजेक्शन्स को एक कॉमन यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज मनी, उसी के बेस पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब आया जी थर्ड प्रिंसिपल, क्या बात है सर, तो ये भी मैंने समझाया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल इंडेफिनेट लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट। समझ में, बिजनेस तो चलता रहेगा यार, तो इट डजंट मीन कि हम रिजल्ट एट द एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जनरली एक साल का रखते हैं, एक साल से लंबा तो नहीं रखते, छोटा रखना है वो आपकी मर्जी है। और जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। जैसे आप लोगों का है, आप लोगों का एक सेशन बना रहता है, एक सेशन पूरा एक ईयर, एक साल पूरी 11th एक साल की थी, ऐसा सिस्टम बना रखा है। वो बीच में यूनिटरी टेस्ट ले लें या बीच में यूटी कुछ सेमेस्टर वाले टेस्ट वेस्ट ले, दैट इज डिफरेंट थिंग। समझ में आया? बट फाइनल क्या रहता है, आपका एक रहता है। तो अकाउंटिंग पीरियड इज डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ द टाइम एट द एंड ऑफ विच द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। समझ में आया नहीं है? आपको हर साल अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना, हर साल। मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट वी शुड नो कि यार हमें जाना कहाँ पर, हम पढ़ किस लिए रहे हैं। अब कुछ कुछ टीचर्स क्या करेंगे, सीधा लो भैया फाइनल अकाउंट स्टार्ट करा दिया, या सीधा डेप्रिसिएशन कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया। बच्चों को फिर यही नहीं पता रहता कि एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग अकाउंट्स। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये सारे प्रिंसिपल्स का यूज होता है वहाँ पर। देखो कहते हैं ना, अकाउंटिंग पे डिफाइन इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट सो दैट द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। हम क्या कर सके, रिजल्ट निकाल सके एट द रेगुलर एंड डिसीजंस कैन बी टेकन एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब आपका रिजल्ट किस लिए दिया जाता है, हर साल इसलिए बताया जाता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करो, आपके माँ बाप को पता चल जाए कि आपकी ये पोजिशन, एंड सो दैट डिसीजंस कैन बी टेकन एट अप्रोप्रिएट टाइम। कोई बच्चा 40% ला रहा है, उसका नहीं मन है पढ़ाई लिखाई में, तो माँ बाप समझ सकें कि भाई ही इज़ नॉट एबल टू डू स्टडीज वेरी वेल। तो इट्स बेटर कि आप इसको क्या करो, जो इसका इंटरेस्ट है उसमें। कभी कभार माँ बाप ज़बरदस्ती भी कर देते हैं। अगर आज विराट कोहली को ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बोला होता तो वो विराट कोहली थोड़ी बनता। अब आप सोचो, तो ज़रूरी नहीं है पढ़ाई आज के टाइम सब कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ, गो एज पर योर इंटरेस्ट, जिस चीज़ में तुम्हारा मन है आप वो वाला काम करो। बट अब आप सोचो, अनलेस रिजल्ट्स ही नहीं निकलेंगे, अब मान लो मैं संजय क्लासेस का रिजल्ट ही ना निकालूं तो क्या होगा, चलता रहेगा फिर, पता ही नहीं चलने वाला भाई। एक मैं किसी चीज़ में टाइम दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट इनकेस इफ आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट्स, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, देन वाई शुड आई कंटिन्यू। समझ में आया नहीं है? तो ये रहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का ही है। दिस अजम्पशन रिक्वायर्स शोइंग द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसिस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू। कैपिटल रिवेन्यू क्या होता है ये भी बताया था। पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। जिस साल का खर्चा है उसको P&L में चार्ज करेंगे और अनकंज्यूम पोर्शन ही शोन एज द बैलेंस शीट। तो ये सब चीज़ अभी हम थोड़ा वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाओगे। तो कहता है इनकम टैक्स लॉ में टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द एनुअल बेसिस। आपको आगे जाके इसको इनकम टैक्स से कनेक्ट करना है, टैक्स निकलेगा पूरे साल की इनकम पर बिजनेस ने, तो ज़बरदस्ती हो जाता है। तो मतलब एक तरह मैंडेटरी भी बना है कंपनी, कैसे भैया बनाओ, अभी तो चलो मर्जी है नहीं बना रहे लेकिन बनाना। अब तुम फिर गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से दोगे, लाइक देर आर सर्टेन लॉज। अब आप बाइक चला रहे हो, आप क्या हो, नहीं नहीं मुझे टेंशन नहीं है, मैं आराम से चलाता हूँ और मेरा नहीं होगा एक्सीडेंट, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो पुलिस वाला आपकी ये बात नहीं सुनेगा, कहेगा भाई एज पर लॉ चलो, एज पर लॉ आप बाइक चला रहे हो तो यू हैव टू वियर दी हेलमेट। तो जब आप कंपनी ओपन कर दिया, अब आप ये क्या हो, नहीं नहीं हम नहीं निकाल रिजल्ट, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स, यू हैव टू फाइल द ITRs वगैरह। समझ में आया नहीं? टाइमली एक्शन फॉर करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो देखो ये सारी चीज़ें ना, जो पढ़ने से क्या होता है, आपका एक्सप्लोरी से आप ज़्यादा चीज़ें लिख पाओगे। और ये 11th 12th नहीं है, इतना सा लिख के आ जाओगे नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को जितना एलोबरेट कर दोगे उतना ही फायदा रहेगा। अब इतनी सारी क्लास में चार तो हमारे प्रिंसिपल्स हो चुके हैं और कितनी सारी चीज़ें हमारे को, एक और भी करा दिए बताओ, कौन सा कराया मैंने आप लोगों को बताओ। हाँ अब वो तो हो गया अकाउंटिंग पीरियड, तो कब का,
एक था वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इसको ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का नाम भी दे रखा है। दिस स्टेट दैट ओनली फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एडेड इन द बुक्स। इसी ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को कुछ कुछ ऑथर क्या नाम भी दे देते हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसी को हम क्या भी नाम दे देते हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है? अब दिस स्टेट दैट ओनली फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, देखो डाटा इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फ्री फ्रॉम बायस, इट कैन बी वेरीफाइड थ्रू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज कैश मेमो। तो यहाँ पर अकाउंटेंट को बोला गया अकाउंटेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस। मैंने बोला हाँ भाई 5 लाख की सेल दिखा दे, अकाउंटेंट कहेगा सॉरी आई कैन नॉट रिकॉर्ड, सर प्लीज शो मी द एविडेंस। समझ में आया नहीं है? तो बायस का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो बायसनेस का मतलब? किसी चीज का इन्फ्लुएंस होना। वेरी गुड शाबाश, सही कह रहे हो बिल्कुल। अब किसी चीज का क्या होना, इन्फ्लुएंस होना। जैसे कि मान लो अब मैं किसी कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ, मैं किसी कॉपी चेक कर रहा हूँ और मैंने क्या करा, एक बच्चे को ज्यादा मार्क्स दे दिए, एक मिनट मारा, अरे यार वो कल किताब थी तो वो कहाँ चली गई, देखी थी आपने कल? ऐसे ऐसे कलर, ऐसा कलर है उसका, जस्ट लाइक दिस, ये उसका सेकंड पार्ट है। चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं की है, देखो रखी, मैं भी क्या हूँ यार। ये लेटेस्ट है ना आपके लिए, बी कॉम के लिए, तो थोड़ा आपकी बुक से जाएगा तो आपको थोड़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाएगी। और तो खैर क्या है, देखो कंटेंट कुछ कुछ फर्स्ट ईयर का कंटेंट इस तरीके से बनाया जाता है कि आप ज़िंदगी में मार ना खाओ। समझ में आया नहीं है? तो उसमें कुछ चीज़ें 11th की भी डाली जाती है, क्योंकि कई बार साइंस के बच्चे आते हैं, आर्ट्स के बच्चे आते हैं, तो वो चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके। समझ में आया? अब जैसे ये रहा अकाउंटिंग पीरियड, इसको आपकी बुक में क्या लिखा है, अकाउंटिंग पीरियड और पीरियडिसिटी। इसकी मैं आपको फ़ोटो खींच कर भेजूँगा, आप इसको पढ़ोगे एंड नोट्स बना कर लाओगे। समझ आया कुछ है नहीं आया? चलो अब जैसे मैंने आपको एक प्रिंसिपल और समझाया, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये रहा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस। किसी में ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल लिखा है, कहीं पर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस लिखा है, कहीं पर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट लिखा है, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अकाउंटेंट शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ वेरीफिकेशन, इन अदर वर्ड्स एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। समझ में आया नहीं है? सच एज वाउचर्स कैश में, सिमिलरली द इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड ऑन द इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव। अब देखो इन्होंने इतना कुछ खास नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बी कॉम की बुक है तो बढ़िया है, इन्होंने कहीं बाइसनेस वाली बात नहीं लिखी है, कहीं कुछ नहीं लिखा, हर एक बंदा अपने हिसाब से कर रहा है। समझ में आया नहीं है? जैसे यहाँ पर लिखा डाटा इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फ्री फ्रॉम द बाइसनेस, बाइसनेस से क्या होना चाहिए मेरे बच्चों बताओ, वो फ्री होना। समझ में आया नहीं है? तो सर अभी तक 4-5 प्रिंसिपल्स हमारे हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया। सर आगे की तरफ हम चलते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलो जी सर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है,
तो 5-6 प्रिंसिपल्स करा दिए हैं और कुछ कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी करा दिए हैं। अब कोई आपसे पूछेगा परचेज क्या है, सेल्स क्या है, बता दोगे? डेटर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स क्या हैं, सोलवेंट, इनसोलवेंट, बैड डेट्स, आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। अच्छा ये सर, ये सारी कहानी किस वजह से हुई थी? बैड डेट्स रिकवर्ड की वजह से, समझ में आनी है। तो बैड डेट्स क्या हुआ, किसी एक पीरियड में क्या हुआ, पैसा डूबा, और वो जो डूबा हुआ पैसा अगले पीरियड में क्या हुआ, रिकवर होगा, समझ में आया नहीं है। तो जिस पीरियड में रिकवर होगा उस पीरियड में वो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। अब सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड एक वर्ड और होता है, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। परचेज से रिलेटेड एक डिफरेंट वर्ड है, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज रिटर्न? जो हमने सामान खरीदा था, बेसिकली खरीदा हुआ सामान हम वापस कर रहे हैं। क्यों वापस कर रहे हैं भाई? ऑब्वियसली बात है, डिफेक्टिव है, लेट डिलीवरी, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर। फ़ोन पे बात हुई थी, इस कलर का भेजूंगा, भेज दिया किसी और कलर का। फ़ोन पे बात हुई थी ये रेट लगेगा, बिल बना के भेज दिया अलग रेट का, डिफेक्टिव निकला है, तो हमने उसका चार्ज थोड़ी डालना है। अब मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक भेज दियो भाई, पेप्सी छोटी वाली मंगाई थी और भेज दी वो जो मिडल वाली साइज़ वाली जो है, मीडियम साइज़ भेज दी। मैंने कहा भाई मेरा तो कस्टमर छोटी वाली का है, मैं क्या करूँ, तो उसको मैं वापस कर दूँ। तो जब हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्या बोलते हैं उसको, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। एंड व्हाट इज सेल्स रिटर्न? अब मैंने कस्टमर को सामान बेच दिया उधार, और कस्टमर ने हमारा उधार बिका हुआ माल क्या कर दिया, वापस कर दिया, दैट इज़ बेसिकली नोन एज क्या बोलते हैं उसको, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखना है, फाइनल अकाउंट में भी ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा रिटर्न इनवर्ड। फिर आप मेरे से पूछोगे सर ये रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, तो ऐसे ध्यान रखना, इनवर्ड इधर देख लो, इनका मतलब अंदर आना, वार्ड मतलब दरवाजा, समझने के लिए। तो रिटर्न इनवर्ड, ये हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में रिटर्न वापस आ गई, तो बिजनेस में कौन सी रिटर्न वापस आएगी, सेल्स वाली, क्योंकि सेल जा चुकी थी, सेल्स वापस आ गई, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। बट इज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, बिजनेस से जो सामान मैंने रिटर्न के तौर पे बाहर कर दिया, तो जो सामान खरीदा था वो तो परचेज था, अब खरीदा हुआ माल क्या कर दिया, वापस करा दिया। ध्यान रखना, अभी पहला चैप्टर जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस करने के बाद जब फाइनल अकाउंट करा रहा होगा, तो वहाँ पर ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, डेटर, क्रेडिटर, सोलवेंट, और क्या नाम है, बैड डेट्स रिकवर्ड, समझ आया नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, अब इसको आप पढ़ लेना, एवरीथिंग इज रिटर्न ऑन दी नोट्स। जैसे सेल्स रिटर्न पढ़ देता हूँ, इट मीन्स गेटिंग द गुड्स बैक विच आर ऑलरेडी सोल्ड, गुड्स बैक वापस लेना। सेल्स रिटर्न इज मेड बाय कस्टमर, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न, को हम क्या भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। क्या बात है सर, बढ़िया नोट्स बना रखे। डेटर्स की बात करते हैं, द पर्सन या बिजनेस टू होम, पर्सन या बिजनेस जिसको हम बिजनेस सेल गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, समझ में आया नहीं है। और ये है, फ्रॉम दीज पीपल वी विल रिसीव मनी इन द फ्यूचर, इन लोगों से हम फ्यूचर में क्या करेंगे, पैसा लेंगे। और बेसिकली क्या है, ये करंट एसेट्स है, इट इज़ अ करंट एसेट्स फॉर द बिजनेस। डेटर आर ऑल्सो नोन एज, डेटर्स को हम किस नाम से भी जानते हैं, बुक डेट्स। डेटर्स को हम किस नाम से भी जानते हैं, वैसे हमारी करंट एसेट्स होती है। क्रेडिटर्स, वो लोग, क्रेडिटर्स जब भी बात करूँ तो बताओ, वो जो ऊपर बैठे हैं वो लोग जिनसे हम उधार सामान ले रहे हैं, उधार सर्विसेज ले, जिनको हमने पैसे देने हैं। डेटर नीचे बैठे होते हैं, डेटर को हम क्या करें, उधार सामान दिया, उधार सर्विसेज ली, उनसे पैसे लेने, उनको फ़ोन करें, हाँ भाई पैसे भिजवा दो यार, पैसे नहीं दे, दो चार चीज़ें सुनाएंगे कि भाई तूने सामान लिया था, उधार ये पैसे नहीं दे रहा, समझ में आया नहीं है। तो डेटर हमारे इट इज़ अ, और क्रेडिटर्स क्या होगी, हमारी लायबिलिटी होगी। सोलवेंट अच्छे लोग, द पर्सन या बिजनेस इन अ पोजिशन टू क्लियर हिज और इट्स डेट्स। इनसोलवेंट पर्सन या बिजनेस वो इज नॉट इन अ पोजिशन टू क्लियर देयर डेट्स। बैड डेट्स द अमाउंट इ रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, या जो अमाउंट रिकवर नहीं है इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, इट इज़ अ लॉस। ये क्या होता है, लॉस होता है, देयर फॉर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर, इट इज़ द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द, जो हमारा पहले बैड डेट्स हो गया था और वो पैसा अब हमारा क्या होगा, रिकवर्ड, इट इज़ अमाउंट रिकवरेबल विच इज अर्ली कंसिडर्ड, ठीक है, इट इज़ अ प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो। देखो मैं चाहता तो मुझे शॉर्टकट करना होता तो मैं इसी को पढ़ के समझा देता, बस कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसकी एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ये जो चार्ट जो मैंने समझाया है, इससे आपके माइंड में एक कनेक्टिविटी बनी यार, कि गुड्स की बात आई तो गुड्स से कनेक्टेड एक वर्ड आया परचेज, इधर देखो गुड्स से कनेक्टेड एक वर्ड आया परचेज, फिर क्या आया, सेल, परचेज से कनेक्टेड, फिर परचेज दो तरीके का बना, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, सेल भी दो तरीके की बनी, कैश सेल, क्रेडिट सेल, समझ में आनी है। फिर आपने देखा, अच्छा यार क्रेडिट सेल से रिलेटेड कुछ वर्ड निकलते चले गए, डेटर्स, फिर डेटर्स से रिलेटेड एक वर्ड क्या निकला, सोलवेंट, फिर इंसॉल्वेंट, फिर बैड डेट्स, फिर बैड डेट्स रिकवर्ड, समझ में आया नहीं है। फिर जब हम बात कर रहे हैं परचेज की, तो सर
परचेज रिटर्न निकल कर आया, फिर क्या है अगर हम बात कर रहे हैं सेल्स की तो कौन सा वर्ड निकल कर आया, सेल्स रिटर्न, समझ आया नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा अच्छे से कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, और इनको सोचोगे कि नहीं यार सर ये तो बेकार है क्या फ़ायदा, फिर तो देखो मेरे बच्चों दिक्कत ही रहेगी। अब यहाँ से मैं आपको एक दो वर्ड और समझा देता हूँ सो दैट कि वो आगे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको। इंसर्ट ब्लैंक पेज, ठीक है जी। अब देखो क्या होता है, एक वर्ड होता है डिस्काउंट, एक वर्ड क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट सिंपली मीन रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी गुड्स और सर्विसेज, यानी कि एनी टाइप ऑफ रिडक्शन। एक कस्टमर जब आप दुकान पे जाते हो, भैया कितनी क्या, भैया कुछ डिस्काउंट कर दे यार, थोड़ा डिस्काउंट नहीं होगा, कस्टमर की आदत होती है दे ऑलवेज एक्सपेक्ट द डिस्काउंट, वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो डिस्काउंट एक तरीके का रिडक्शन है इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज वगैरह, समझ में आया नहीं है। अब आप बिजनेस हो, बिजनेस देखो एक बार में दोनों काम करता है, बिजनेस एक बार में सेलर भी है और बिजनेस बायर भी है, मानते हो इस बात को या नहीं मानते? सर कैसे बिजनेस सेलर का भी काम करता है और बिजनेस बायर का भी? अब एक बात बताओ, बिजनेस भी तो कहीं से सामान खरीदता होगा, बोलो हाँ या ना, बिजनेस कहीं से गुड्स वगैरह लेता होगा, फिर आगे अपने कस्टमर को क्या करता है वो सेल करता है, समझ में आई बात या नहीं? तो क्या है, अब बिजनेस मान लो कहीं से सामान खरीद रहा है, कोई भी सर्विसेज ले रहा है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, ये सप्लायर हैं जिनसे वो सामान ले रहा है, तो बिजनेस इनसे क्या करेगा, उम्मीद करेगा कि सर आप हमें क्या करो डिस्काउंट दे दो, आप हमें क्या करो डिस्काउंट। मान लो मैंने कहीं से 100,000 सामान खरीदा, मैंने भाई कुछ हो जाएगी गुंजाइश हो जाएगी, हम भी करते हैं बिल्कुल, वाईफाई का कनेक्शन लिया 1,000 रुपये का, बोल रहा मैंने भाई कुछ गुंजाइश कर, तो उसने कहा चलेगा सर भाई, मैंने कुछ सामान खरीदा, कुछ भी हम खरीदेंगे तो वी विल ट्राई कि यार हमें क्या हो सके डिस्काउंट मिल सके, चाहे वो बिजनेस के लिए ले रहे हैं। तो बेसिकली डिस्काउंट यहाँ पर दो तरीके का हो जाएगा जब हम बात करेंगे तो, चलो पहले उसको समझाता हूँ। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक कौन सा डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट। बट ए ट्रेड डिस्काउंट जो हम लार्ज क्वांटिटी में, हाँ बल्क में हम सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, इधर देखो, या हम खरीदने या बेचने की वजह से। पहले आप समझ लीजिए, अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं, अगर हम बिजनेस अगर डिस्काउंट ले रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, है ना। अगर बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, अलाउड। तो बिजनेस दोनों काम करेगा, बिजनेस क्या करेगा डिस्काउंट लेगा भी और डिस्काउंट देगा। अब फॉर एग्जांपल इधर देखो, मैंने किसी से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा, मैं बिजनेस हूँ, मैंने लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा और लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदने की वजह से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उससे डिस्काउंट ले रहा हूँ, मैं भाई डिस्काउंट दे दे यार, समझ में आया नहीं है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड क्या है, अब मान लो कस्टमर आया, मैंने कस्टमर को लार्ज क्वांटिटी में सामान दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट गिवन, मैंने उसको डिस्काउंट दिया, समझ में आया नहीं है? होता है यार, अब आप दुकान पे जाओ, बोलो भैया क्या नाम है जो है यार, भैया एक रजिस्टर कितने का है, वो बोलेगा 50 का, भैया एक दर्जन लेने हैं, कहेगा चलो 45 के लगा दूंगा, क्यों, बिकॉज यू आर बाइंग इन अ लार्ज क्वान्टिटी। बात समझ में आई या नहीं आई? एंड बट अच्छा एक बात ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते हैं जब जर्नल वगैरह बनाते हैं। बट इस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता है टाइमली पेमेंट करने की वजह से जो हम डिस्काउंट देते हैं या जो हमें मिलता है, समझ में आया नहीं है? द डिस्काउंट ड्यू टू टाइमली पेमेंट, ड्यू टू प्रॉम्प्टली पेमेंट, ड्यू टू इमीडिएट पेमेंट करने की वजह से जो हम डिस्काउंट लेते हैं या जो डिस्काउंट देते हैं उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कैश। ये दो तरीके का होता है, इसमें आएगा एक डिस्काउंट अलाउड जो हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होता है, दूसरा क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव। वट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड सिंपली मीन्स मैंने कहीं से सामान, मैंने कस्टमर को सामान बेचा और कस्टमर मुझे कम पैसे दे रहा है, मैंने बोला भाई 10,000 का सामान है, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दे या 2 दिन में पेमेंट कर दे, 500 रुपये का 5% का कैश डिस्काउंट है, समझ में आया नहीं है? वट इज़ 5%, जब कोई व्यक्ति टाइम से पे, मैंने कहा टाइम से पेमेंट कर दो, आपको सारी पेमेंट एक साथ करोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, टाइमली पेमेंट करने की वजह से कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, वी आर गिविंग दैम डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने अलाउड करा, और बिजनेस के लिए बताओ वो खर्चा हो गया इनकम हो गई, हाँ जी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, इनकम ही हुआ सर। इनकम कैसे हुआ सर, क्योंकि अच्छा मैंने अज्यूम किया कि हमने भी डिस्काउंट लिया था, वैसे तो वो मैंने कस्टमर को सामान बेचा 10,000 एक्सपेंस हुआ, बिल्कुल। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ऐसे हम हर चीज के बारे में सोचेंगे कि यार ये एक्सपेंस है या इनकम है, एसेट्स है, क्या है, अभी 5 चीज़ें बताऊंगा और अकाउंटिंग पे जाने वाले हैं, डोंट वरी।
समझ में आया, मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, लेने थे 10,000 रुपये, अब बताओ 10,000 रुपये में मैंने कहा चल तू टाइम से दे दे, 5% कम दे दियो, तो 5% जो मैं कम ले रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारे लिए तो एक्सपेंसिव तो हो गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, मैंने कहीं से सामान लिया एंड मैंने उसको टाइम से पेमेंट कर दी, अब मैंने सप्लायर से सामान लिया, सप्लायर कह रहा है भाई 2 दिन में पेमेंट मार दे, 10% का डिस्काउंट उठा ले, मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, समझ में आया कुछ या नहीं है दैट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, समझ में आया नहीं है। अब एक दो तरीके का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, जब बल्क क्वांटिटी में सामान लेने या देने, समझ में आया। अब आप ऐसे समझो, मतलब कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो, अगर हम सामान खरीद रहे हैं देन वी विल गेट द डिस्काउंट, और अगर हम सामान बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे उस, क्योंकि एक्चुअली समझाना जरूरी है, हम परचेज वाली ट्रांजेक्शन भी करेंगे और सेल वाली ट्रांजेक्शन। तो ट्रेड डिस्काउंट सिंपली लार्ज क्वांटिटी में सामान लेने या देने की वजह से जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट, टाइमली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट देने की वजह से या लेने की वजह से, जो भी आ, समझ में आया। अब एक डिस्काउंट से कनेक्टेड एक वर्ड है रिबेट, देयर इज अ वर्ड दैट इज रिबेट। अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट, हाँ जी बताइए सर, ये तो सेम ही लग रहा है। हाँ, रिबेट भी छूट मिलना, डिस्काउंट भी छूट मिलना एक तरीके से। देखो बेसिकली रिबेट क्या होता है, रिबेट जनरली पता है डिस्काउंट की बात होती है ट्रांजेक्शन होने से पहले, डिस्काउंट जब आप जब दुकान पे जा रहे हो, हाँ जी भैया कितने का लगाओगे, क्या है क्या नहीं है, सीधा जैसे कल मैंने S23 सैमसंग का S23 अल्ट्रा मैंने पता करा, तो उन्होंने कहा भैया 512 GB में, तो दे आर सेइंग कि सर 111,000 का, मैंने कहा बेस्ट प्राइस बताओ, बेस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल बेस्ट, वैसे था वो 125,000 का, तो उन्होंने डिस्काउंट वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह, आजकल आपको पता है क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक वगैरह सारे डिस्काउंट लगाकर उन्होंने बोला 111,000। अब मैंने एक से पता करा, फिर मैंने दूसरी जगह भी पता करा, रेशनल कस्टमर, तो रेशनल कस्टमर कभी एक जगह पे बिलीव नहीं करे, एक से दूसरी जगह पता करा, उसने भी क्या करा सेम रेट दिया मेरे को 111,000, समझ में आया नहीं है। तो मैंने अभी कोई डील नहीं करी है, मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन मैंने सारे डिस्काउंट डिस्काउंट की बात पहले ही कर ली है, तो डिस्काउंट की जो बात आती है वो ट्रांजेक्शन होने से पहले ही आ जाता है। बट व्हाट इज रिबेट, रिबेट सिंपली मीन्स व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैज बीन मेड एंड ट्रांजेक्शन कोई सेल हो चुकी है परचेज, उसके बाद पता चल रहा है कि देर इज ए सर्टेन डिफेक्ट इन द आइटम, समझ में आया नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा उस वजह से, फिर क्या होता है बेसिकली रिबेट का कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, जैसे कि मान लो मैंने बुक खरीदी, इधर देखेंगे सारे बच्चे, अब मान लो मैंने स्टेशनरी शॉप से क्या करी बुक खरीद ली तो मैं बुक खरीद के लाया अकाउंट्स की, अब बुक उसने मेरे को दी 1,000 रुपये की, मैंने कहा ठीक है। अब आप लोगों ने देखा हो कई बार हम जल्दी में ले लेते हैं, अच्छा सब कुछ ओके नहीं है, लो जी लिया है ठीक है, और फिर जब हम घर पर जाके इसको यूज़ करते हैं तो आपको जब जैसे जैसे आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है ओ यार एक चैप्टर के तो पेजेस ही गायब है, देखा होगा आप लोगों ने, या कुछ ऐसे मोड़े वोड़े रहते हैं दिखता नहीं है, फिर हम क्या करते हैं बताओ, हम सीधा इसको क्या करते हैं उठाकर कहाँ पहुँच जाते हैं, दुकानदार के पास, दुकानदार भैया भैया ये क्या दे दिया आपने, ध्यान नहीं दिया यार बताओ, तो दुकानदार कहता है यार कोई बात नहीं भैया कर लो यार एडजस्ट, छोड़ो एक चैप्टर की तो बात है, चलो मैं तुम्हारे 100 रुपये कम कर देता हूँ, समझ में आया नहीं है। अब आप भी सोचते हो कि अच्छा ठीक है 1,000 की थी 100 रुपये कम कर दिए हैं, तो वो एक तरीके से जो उसने कम कर दिया दैट इज अ रिबेट, वो क्या है रिबेट। अब आप क्या करते हो उसमें जो है उसकी फिर फोटोस्टेट करा लो एक चैप्टर किसी और से, कुछ आइटम्स में हो जाती है, कुछ आइटम्स में क्या होता है फिर रिटर्न ही करना होता है, कुछ आइटम में वो जो सप्लायर है सेलर है साफ साफ मना कर देता है, कहता है भाई मेरी थोड़ी जिम्मेवारी है तुझे देखना चाहिए था मैं नहीं कर रहा वापस, कुछ हर टाइप का बंदा है। वैसे आप एक लॉ में भी जाके पढ़ोगे सेल्स ऑफ गुड्स में है लेट बायर बी अवेयर, तो उसमें एक प्रिंसिपल है कैवियट एम्प्टर करके है कुछ, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है एक मिनट बताता हूँ, एक प्रिंसिपल उसमें वो कहता है कि लेट द बायर बी, सेलर हर चीज़ नहीं बताएगा, सेलर केस स्टडीज में नहीं उसमें है, क्या बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, एक मिनट बताता हूँ, दो प्रिंसिपल है, एक में सेलर अवेयर है और एक में क्या रहे बायर अवेयर है, तो उसमें क्या होता है बायर की जिम्मेवारी रहती है कि अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई क्या नाम है आप चेक करोगे आप सामान खरीदोगे मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये ना द प्रिंसिपल दैट द बायर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स बिफोर अ परचेज इज मेड दैट इज द कैवियट एम्प्टर, ये वाला
तो कैवी डेम्प्टर का रूल क्या कहता है कि जब आप कोई सामान लेने जा रहे हो, आप टी शर्ट लेने जा रहे हो, अब टी शर्ट तुमने खरीद ली है तो अब मान लो टी शर्ट बाद में डिफेक्टिव निकल जाती है, तो सेलर चाहे तो मना भी कर सकता है, ध्यान रखना। क्यों? अबे एक बात है, सेलर सेलर की दुकान पे तो 100 बंदे आते हैं, तो सेलर सबको चेक करके थोड़ी देता रहेगा। ये तो बायर की अपनी क्या है, जिम्मेवारी है कि भाई वो कोई भी सामान खरीदे तो वो उसके लिए क्या रहे, अच्छे से चेक करे। जब भी तो हम जाते हैं, बैग लेते हैं, हम टी शर्ट लेते हैं, हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक करते हैं, हम अवेयर रहते हैं, बट कई बार हम भी लापरवाही कर देते हैं। वो सेलर वापस इसलिए ले लेता है कि सेलर नहीं चाहता कि यार मेरा कस्टमर क्या होए, ख़राब होए, समझ रहे हैं। सेलर भी सोचता है चलो मेरा डिफेक्टिव है, मैं इसको आगे क्या कर दूंगा, जो जो भी मेरा सप्लायर है मैं उसको क्या कर दूंगा, वापस कर। बट अगर हम एज पर लॉज आएँ तो एज सच कोई ज़रूरी नहीं होता। समझ में आ गई बातें? नहीं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिबेट समझ में आई? रिबेट क्या है? रिबेट सिंपली मींस कि भाई कोई सामान जो हमें बाद में पता चल रहा है, सेल हो चुकी है, ट्रांजेक्शन हो चुकी है, एंड बाद में वी आर गेटिंग एनी टाइप, वी आर ट्राइंग टू गेट द रिडक्शन। समझ में आई? हम कस्टमर को दे रहे हैं या मिल रहे हैं। तो इसमें भी दो तरीके की आ जाएगी, रिबेट अलाउड। अब ऑब्वियसली बात है यार, हम सेलर भी और हम बायर भी हैं, तो अगर हम कस्टमर को दे रहे हैं रिबेट तो एक्सपेंस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगी, रिबेट रिसीव हो जाएगी। समझ में आया नहीं है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ हमने समझा दिया, अब आगे चलते हैं। ओनर क्या होता है, प्रोपराइटर क्या होता है? अच्छा, ये मैंने कल भी बताया था। देखो आगे ना, ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो अगर हम ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, ओनर क्या है, प्रोपराइटर क्या है। अच्छा, पहले ट्रांजेक्शन, एक रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन, और दूसरी क्या, व्हाट इज़ रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो साल में बार बार रिपीट होती है, रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, दैट इज़ नोन एज रिवेन्यू। जैसे सेल होना, परचेज होना, ये सब इधर देख लीजिए। अब रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, सारे रिवेन्यू नेचर वाले आइटम कहाँ जाएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, P&L में। अभी हम एक फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। तो रिवेन्यू नेचर आपको आइटम को देखते के साथ पता लग जाना, अच्छा ये रिवेन्यू नेचर है, वो ट्रांजेक्शन जो साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो छोटे टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, आपको बेनिफिट दे रहे हैं। समझ में आया नहीं है? अब मैंने आपको सेल पढ़ाया, सर्विस ली थोड़े टाइम के लिए, रेंट पे करा, एक महीने का बेनिफिट लिया, एक महीने की पेमेंट, सैलरी के करी, एक महीने का बेनिफिट लिया, एक महीने की पेमेंट। समझ में आया? एंड व्हाट इज कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, दोस ट्रांजेक्शंस जो हमने एक बार इनकर्ड कर दिए है, बट जो विच विल प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर लॉन्ग। अब इसमें भी दो तरीके की हो जाएंगे, जो आपका तो पूरा एक चैप्टर भी है रिवेन्यू और कैपिटल नेचर पर। लाइक कैपिटल नेचर में भी दो तरीके की आ जाएगी, एक आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट। दूसरा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट। और एक रिवेन्यू नेचर में भी दो तरीके का आ जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक क्या आ जाएगा, रिवेन्यू रिसीप्ट। समझ में आया? अब एक्सपेंडिचर का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिवेन्यू रिसीप्ट, फीस मिलना, हमारी मेन रिसीप्ट यही है और कुछ ऐसा है नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, तो अब जैसे हमने बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, अरे बोलो यार, तो ये क्या है, कैपिटल, जो एक बार खरीद लिया बार बार नहीं कर। अभी आईपैड एक बार ले लिया, बार बार थोड़ी ले, पंखा एक बार ले लिया, बोर्ड ले लिया, लैपटॉप ले लिया, तो वो खर्चे जो एक बार ले लिया, बट दीज विच आर गोइंग टू प्रोवाइड अस द बेनिफिट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एंड व्हाट इज कैपिटल रिसीप्ट, लोन लेना, बिल्डिंग बेच देना। समझ में आया नहीं? ये आपकी बुक में, आप चाहो तो इसको घर पे आके आज थोड़ा पढ़ सकते हो, अगली क्लास में थोड़ा बहुत टाइम लगा के हम इस वाले चैप्टर को निपटा देंगे। छोटा सा चैप्टर है, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। समझ में आया नहीं है? इसको थोड़ा और लॉजिकली पढ़ के इसको हम क्या करेंगे, ऑफिशियली एक चैप्टर को एटलीस्ट खत्म कर देंगे। फिर इसमें आपको एग्जांपल दे रखते हैं, मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ICI के नोट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा, एंड कोशिश करूंगा इसकी PDF भी क्या करूंगा आपके साथ शेयर कर दूँ। समझ में आया नहीं है? तो ये देखो पूरा डिफरेंस दे रखा है। अरे सर, अब इसमें जाऊंगा तो फिर ये वाला चैप्टर रुक जाएगा, अगले क्लास में विद एग्जांपल इसको पूरा क्या करेंगे, निपटा देंगे। जो जो क्वेश्चन BCom में आ रखे हैं वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत? पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप पढ़कर आओगे थोड़ा मजा आएगा आप लोगों को। चलो सर, इसके बाद नेक्स्ट, ओनर क्या है, प्रोपराइटर क्या है, पार्टनर क्या है। ओनर पहले समझा दिया, ओनर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस के रिस्क उठाता है, जिसे बिजनेस का क्या मिलना होता है, प्रॉफिट और लॉस। ओनर को ही सोल प्रोपराइटरशिप में प्रोपराइटर बोलते हैं और ओनर बोल देते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ओनर को क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है। समझ आया नहीं है? और कंपनी में ओनर को क्या बोला जाता है, क्या
नो शेयर होल्डर, समझ में आया? द पर्सन या वो जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, एसेट्स लगा रहा है, जो बिजनेस के सारे रिस्क को उठा रहा है उसको ओनर बोलते हैं। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस ऑलवेज, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है मेरे बच्चों। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। जितनी भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वट इज कैपिटल? कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। इट इज द अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन टू द बिजनेस। समझ में आया नहीं है? आप लोग देख रहे हो कि एक ही चीज़ बार बार होके थोड़ी चीज़ें माइंड में सेट भी हो रही हैं। बट एक बार मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया, देन आई एम नॉट गोइंग टू रीओपन इट। मैंने आपको पहले ही बता दी, इसलिए साथ साथ पढ़ते रहना, जो भी डाउट्स आएगा उसको पूछ लें। इट इज़ द अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाए, जो भी चीज़ें लगाए, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बताओ? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ में आया नहीं है? और ओनर की जगह पे शेयर होल्डर या फिर पार्टनर्स लिख सकते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली हम एक्चुअली क्या है, हम जो चैप्टर हम बीकॉम जब पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो बेसिकली हम सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं और चैप्टर्स का कनेक्ट। यहाँ पर हमारा कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वी विल नॉट यूज शेयर होल्डर। और पार्टनरशिप का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बेसिक्स अकाउंटिंग सिखाई जा रही है कि किसी बिजनेस में कोई अकाउंटिंग कैसे हो रही है। तो आप यूज़ कर सकते हो, बट क्यों हमें, जब पार्टनरशिप फॉर्म है नहीं तो क्यों पार्टनरशिप यू? और कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है कंपनी। आप जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे हर जगह क्या आएगा, शेयर शेयर शेयर। तो वो ओनर्स के लिए रहेगा, वो शेयर होल्डर्स के लिए रहेगा। वहाँ पर हम लोग वैसा वर्ड नहीं यूज़ करें। होते सारे के सारे क्या है, ओनर ही हैं। समझ में आया नहीं है? हैं ये सब क्या है, मालिक है बस। प्रोप्राइटरशिप में मालिक को प्रॉपर सोल प्रोप्राइटर बोल दिया, पार्टनरशिप में मालिक को क्या बोल दिया, पार्टनर बोल दिया, और कंपनी में मालिक को क्या बोल दिया, शेयर होल्डर। दिस इज द सिंपल। अब ओनर ने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया या ओनर ने बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट्स लगाई है, तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, इट इज़ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इट इज़ इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा तो उससे कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होएगी। ऑब्वियसली बात है भाई, प्रॉफिट लॉस किसका रहता है, ओनर का। बिजनेस कुछ खाता पीता नहीं है, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, बिजनेस अपने आप को सेपरेट लेकर चल रहा है। बट वैन इट कम्स टू द गेटिंग थिंग्स अपने पास रखने के लिए, तो बिजनेस कुछ खाता पीता थोड़ा। अब हम तो ओनर है, हम तो एक क्या बोलते हैं बेसिकली रियल पर्सन है। हम तो कुछ भी मंगा रहे हैं, तो बिजनेस जो भी कमाता है दैट इज एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ओनर, चाहे वो प्रॉफिट्स दे या फिर प्रॉफिट्स के लिए भी यूज द वर्ड अर्न, एंड लॉस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सफर। प्रॉफिट कमाया जाता है और लॉस क्या किया जाता है, उठाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं इज्जत कमाई जाती है और बदनामी भी, आप यू कैन से कि ना कैपिटल इज ऑलवेज हैव अ मनीटरी वैल्यू। कैपिटल की कुछ ना कुछ मनीटरी वैल्यू, और कैपिटल को हम किस नाम से भी जानते हैं, नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। ठीक है बच्चों, ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स का मतलब है अमाउंट और एसेट्स। ओनर से कनेक्टेड वर्ड है, कैपिटल से कनेक्टेड वर्ड है। ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए क्या करता है, पैसा निकालता है या चीज़ें निकालता है, गुड्स निकालता है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। यानी कि जब कभी भी ओनर बिजनेस से पर्सनल या डोमेस्टिक यूज़ के लिए चीज़ें निकालेगा तो उसको हम उसके लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट बनाएंगे, और ये इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, गुड्स सो टेकन बाय द ओनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। अच्छा, जो ओनर बिजनेस से सामान लेकर जाता है तो उसको हम हमेशा कौन से प्राइस पर दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कौन से प्राइस पर, कॉस्ट। उसका सिंपल सा फंडा है, मान लो टी शर्ट्स है। अब टी शर्ट्स मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ 500 रुपये की, बट ये टी शर्ट मुझे पड़ी है 400 रुपये की। अब मैं ओनर अपने लिए लेके जा रहा है, अपने घर वाले के लिए लेके जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट प्राइस पर थोड़ी लेके जाएगा, 400 पर ही तो लेके जाएगा, और हम इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना तो वहाँ पर दिखे, मैं भी आपको चलो ट्रायल बैलेंस भी दिखाऊं, तो आपको सारे आइटम दिखेंगे, ड्राइंग्स दिखेगी, कैपिटल दिखेगी, एक्सपेंस दिखेगा, बैड डेट्स दिखेगा, सेल दिखेगी, परचेज दिखेगी। तो उस टाइम आप क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। समझ आया कुछ है नहीं है? और वो ट्रायल बैलेंस तक पहुँचेंगे कैसे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स। ग्रॉस अमाउंट, इट इज़ द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, वट एवर अमाउंट द फर्म इज गोइंग टू रिसीव, दैट इज बेसिकली नोन एज रिवेन्यू। आप चाहो अपने नोट्स पे अंडरलाइन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या वहीं पे लिखो आप नोट्स में जहाँ पर आसपास कुछ भी लिखना है। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स 1,00,000 रुपये का फी रिसिप्ट, ये प्रॉफिट से बड़ा रहता है क्योंकि रिवेन्यू के अंदर प्रॉफिट्स भी इंक्लूड रहता है। रिवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अगर पॉजिटिव डिफरेंस बचता है तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रॉफिट्स होता है। समझ में आई बातें नहीं? एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, खर्चे। एक्सपेंसेस का बेसिकली क्या मतलब होता है, खर्चे। बिजनेस को चलाने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं,
दैट इज बेसिकली नोन एज एक्सपेंसेस. विदाउट एक्सपेंसेस नो बिजनेस कैन सर्वाइव. कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता. आप सोचोगे कुछ बंदे कंजूस टाइप होते हैं, नहीं नहीं हम खर्चा नहीं करें, भाई फिर आप बिजनेस भी नहीं करोगे, आप सीधा नौकरी करो. नौकरी में भी आपको पता हो स्टार्टिंग में खर्चा ही होता है. आप रोज़ सुबह उठ के जा रहे हो, बस वाले को किराया भाड़ा दे रहे हो, खाना पीना वो भी एक्सपेंसिव. तो बिजनेस में भी आपको एक्सपेंसेस करना पड़ता है. अब एक्सपेंसेस देखना है आपको, एक्सपेंसेस जो हमने पैसा खर्च किया रिवेन्यू जनरेट करने के लिए. रिवेन्यू बाद में आएगा, पहले एक्सपेंस करना. एक्सपेंसिस जो हमने किया, पैसा खर्च किया टू गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस सर्विसेज. अब ये जो बिजली लाइट जल रही है, अब मान लो ये लाइट ही भाग जाए तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को? मान लो यहाँ लाइट ही ना आए, आप कह रहे सर कैसा सेंटर है यार, चलो यहाँ पंखा ही ना लगा, चेयर ही ना हो, बताओ. चलो चेयर तो हमारी एसेट्स है, पंखा तो हमारी एसेट्स हैं, दैट इज़ नॉट एक्सपेंस. ध्यान रखना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस और एसेट्स. बट यार एक बात बताओ, इस ये एसेट यूज़ हो रही हैं, इनकी वैल्यू जो डाउन हो रही है दैट इज डेप्रिसिएशन. समझ में आया नहीं? और जो पंखा जो चल रहा है, पंखा जो चल रहा है, इसका जो बिजली का बिल आ रहा है दैट इज एक्सपेंस. अब आप कनेक्ट करो, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंड. इतने डीप में मैं 11th वालों को नहीं पढ़ाता हूँ. कनेक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है. समझ आया? पढ़ो इसलिए कि ज़िंदगी में आगे मार ना खाओ. इसलिए मत पढ़ो कि भाई क्या नाम है, हमें खाली पास होना है. आजकल ज़्यादातर बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आपकी वहाँ पर इस तरीके से फाउंडेशंस नहीं बनेंगे. वहाँ पर सब कुछ शॉर्टकट चल रहा है, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए चीज़ें होती हैं. बट जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे, जितना लॉजिकली पढ़ोगे, जितना डीपली पढ़ोगे, देखो उतना ही फायदा. मैं भी आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज यू आर टेकिंग इंटरेस्ट. अदरवाइज तो जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो कॉलेज में आई गेट 1 आवर के लिए मुझे 1500 मिलते हैं. अब जस्ट इमेजिन कि एक घंटा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, खाली मेरे 1500 रुपये बन रहे हैं. एक घंटे की क्या वैल्यू है? बट बात सब कुछ पैसा नहीं होता है. मेन चीज़ है जब आप इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, हम देखते हैं कौन बच्चा कितना इंटरेस्टेड है, किस पर टाइम डिवोट करना है और किस पर टाइम नहीं डिवोट करना. अदरवाइज तो आपको भी पता है यूट्यूब पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है. कौन बच्चा पढ़ रहा है बीकॉम में? बट लेकिन आपको हमेशा एजुकेशन पे खर्च करना है बिकॉज इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस. देखो आगे बात, इट इज़ एन एसेट अगर हम अकाउंटिंग टर्म में भी बात करेंगे. समझ में आया नहीं? अब देखो जैसे मैं कनेक्ट करें तो पंखा खरीदना या लैपटॉप लेना, मोबाइल लेना, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट अब पंखा बिजली से चल रहा है, हर महीने बिजली का बिल आ रहा है, रेंट, ओ सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज़ अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो भी हमारा खर्चा है बट वो रिवेन्यू एक्सपेंस. बाइक खरीदना, बाइक या गाड़ी लेना, दैट इज़ कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल, क्योंकि एक बार इनकर्ड कर दिया और दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अस बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अरे बोलो यार. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पेट्रोल डलवाना, अब बाइक है तो पेट्रोल तो चलेगा, स्कूटी है तो पेट्रोल तो चलेगी, बोलो भाई, तो वो रिवेन्यू होगा. समझ में आया नहीं है? तो ये चीज़, मोबाइल का रिचार्ज कराना, मोबाइल लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट मोबाइल का रिचार्ज कराना कौन सा एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू. इस चीज़ को ध्यान रखो. तो रिवेन्यू एक्सपेंस बोल दो, एक्सपेंडिचर बात एक ही है. तो जो हमने पैसा खर्च किया है रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा. और इसलिए मैं हमेशा कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर बोलता हूँ कि आप कुछ भी करो लेकिन अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर सेट कर लो, इन फ्यूचर में एक बिजनेस ज़रूर करना है, क्योंकि बिजनेस से बढ़ के कुछ भी नहीं है. ध्यान रखना इस बात को. आपको जॉब की माइंड है, जो भी माइंडसेट है, बट अपना थोड़ा माइंडसेट ब्रॉड करो. आजकल बंदे बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है. इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. हाँ बिल्कुल जा सकते हैं. हाँ ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. क्लियर हो गई बात? इनकम क्या होता है? इनकम भी बेसिकली थोड़ा ये उससे उसकी कंपैरिजन में थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा है. मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा बेसिकली. अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट के साथ साथ अदर इनकम वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है. अब लाइक प्रॉफिट्स क्या होता है बेसिकली? जो हमारा बिजनेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सामान बेच रहा हूँ तो उससे मेरे पास काम धंधा आ रहा है, दैट इज़ माई, वो क्या बन जाएगा? मेरा प्रॉफिट्स बन जाएगा. लेकिन इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें रेंट रिसीप्ट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, डिविडेंड, P&L की सारी चीज़ें आ जाएंगी. क्रेडिट साइड में डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज इनकम ब्रॉडर देन द प्रॉफिट्स. इट इंक्लूड्स द प्रॉफिट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. समझ में आई बात? नहीं है जी सर. अब लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ को हम समझ देते हैं. लाइबिलिटीज़ का मतलब कर्जा होगा. बस चैप्टर ख़त्म ही होने वाला होगा अब तो. थोड़ा बहुत ही बच रहा है एसेट्स, लाइबिलिटीज एसेट्स, ठीक है. जनरल लेजर अकाउंट, प्रॉफिट गेन, बुक वैल्यू,
डिस्काउंट तो मैंने बता ही दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन वैसे बता रखा है, एंटिटी रिबेट भी मैंने समझा दिया है ना, स्टॉक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर तो चलो, कैपिटल रेवेन्यू डेफर्ड रिसीप्ट्स ये वाले आपके यहाँ तक हम कवर करेंगे। उसके बाद ये आपको पढ़ना होगा तो इसे हेल्प कर लेना। ये वाले नोट्स बेसिकली सीए वाले बच्चों के लिए है ना, ये सीए वाले नोट्स डाले हमने यहाँ पर, ये उन्होंने वैसे कर रखे हैं। इक्विटी शेयर एक्सचेंज फिर बोल लो चलें। तो देखो बेसिकली आप हमारे पास कुछ और थोड़े बहुत टर्म्स और बचे हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं, चैप्टर फिर ओवर हो जाएगा ठीक है। तो लाइक लायबिलिटीज़ का मतलब सिंपली क्या होता है, कर्जा होता है, हमने कहीं से सामान उधार लिया, कहीं से सर्विसेज उधार ली या कहीं से लोन लिया, तो बिजनेस के सर पे जो कर्ज आना है दैट इज़ नोन एज लायबिलिटीज़। हमें पे करनी होती, लायबिलिटीज़ का मतलब देनदारी, हमें जो पे करना है ठीक है। अच्छा लायबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, अभी थोड़ा समझ लो, बाकी मैं समझाऊंगा क्यों होते हैं क्रेडिट बैलेंस, वो सब देखेंगे। तो इट इज़ द अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइडर, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो हमने ओव करा है बिजनेस से, बाहर वालों से जो पैसा लिया है, बोरोइंग कुछ सामान लेने की वजह से, एसेट सर्विसेज उधार लेने की वजह से, एग्जांपल क्रेडिटर्स बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, बकाया खर्चे, मैंने चार महीने से बिल्डिंग यूज़ कर ली बट रेंट पे नहीं करा तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, समझ में आया। मैंने कहीं से लोन ले रखा है, मेरी लायबिलिटीज़ हो गई। अब इनकम भी मुझे एडवांस में मिल जाए, अभी मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे सेकंड ईयर की फीस भी दे दी तो वो भी मेरी लायबिलिटी, क्योंकि उस पर मेरा हक नहीं है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दोगे दैट इज़ नॉट माय लायबिलिटीज, क्योंकि मैं साथ के साथ क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, एक एग्रीमेंट हो गया। बट ठीक है, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो उसमें भी कुछ पोर्शन लायबिलिटी का होता है, बट इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं अभी। लेकिन अभी से अगर आप मुझे सेकंड ईयर की फीस दे देते हो तो वो फिर क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, तो समझ में आया नहीं। तो क्रेडिटर्स बैंक लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी होती है क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन, समझ में आया। लायबिलिटीज टुवर्ड द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटीज, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटीज टुवर्ड द आउटसाइडर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो ओनर का पैसा लगा है वो भी लायबिलिटी है बट वो कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल, लेकिन बाहर वालों का पैसा लगा है वो कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल। लायबिलिटीज फर्दर क्लासीफाइड हो रही है लॉन्ग टर्म और करंट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि जिसको हम नॉन करंट भी बोलते हैं, वो लायबिलिटीज विच वी हैव टू पेड बैक आफ्टर 12 मंथ्स या फिर आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, और वो लायबिलिटीज विच वी हैव टू पेड बैक विद इन अ ईयर या फिर विद इन शॉर्ट पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी, समझ में आया। एक थर्ड टाइप ऑफ लायबिलिटीज बेसिकली कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, ये वाली कौन सी लायबिलिटी है हमारे पास, कंटीजेंट, ये यहाँ पर CONTIN कंटीजेंट लायबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी जिसकी आज की डेट में नील बुक वैल्यू है बट विच मे राइज इन द फ्यूचर बाय हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता रहती है, दैट इज़ कंटीजन लायबिलिटी। यानी कि एक ऐसा कर्जा जो आज की डेट में मेरे सर पे कर्जा नहीं है बट फ्यूचर में कोई ऐसी घटना घटे जिसकी वजह से वो क्या बन जाए, कर्जे का रूप ले ले, दैट इज़ नोन एज कंटीजन लायबिलिटी। अब मैं अगर एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो अब एग्जाम्पल है आपके कॉलेज में कोई डांस क्लासेस होने वाली है फॉर एग्जाम्पल, और बहुत बढ़िया आपका डांस में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, आपको लगता है मैं अपना डांस में करियर बना सकता हूँ या बना सकते हैं। अब आपका वो जो कोर्स होने वाले वो जो क्लासेस हैं एक महीने की क्लास, उसके लिए 10,000 रुपीज़ लगने हैं, समझ में आया नहीं। आपने घर वालों को बोला कि भाई मम्मी पापा ये 10,000 रुपये दे दो, ये है ऐसा कुछ चल रहा है, एंड घर वालों ने कहा अरे भैया पढ़ाई कर ले यार, वही होता है क्या डांस वांस क्लासेस कर रहे हैं, हम नहीं दे सकते तुम्हें पैसे। अब तुम आए मेरे पास, तुमने बोला यार सर अच्छे इंसान है, सर से बात करके देखते हैं, सर हमें समझेंगे और सर हमेशा इस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू करो, सॉरी। तो बेसिकली क्या है, अब आप मेरे पास आए, कह रहे सर मान लो 10 बच्चे हैं बैच में, सारे के सारे आ गए, कह रहे सर प्लीज़ आप पैसे का देख लो। मैंने कहा यार एक दो बच्चे होते तो भी समझ में आता, मैं कर देता यार, अब 10,000 रुपये सबके लिए दे पाना तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी। तो बच्चे कहते हैं सर हमारी बस खाली आपसे उम्मीद है, अब घर वालों ने जो साफ साफ मना कर दिया, आप कहीं से अरेंज कराओ। मैंने कहा चलो भाई। तो मेरा एक दोस्त है जो फाइनेंस का काम करता है, कौन सा काम करता है, लोन वोन देना या प्रॉपर्टी डीलिंग, उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं, पैसा उनके पास बहुत है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, आप उनसे बात कर लेना। मैं तुम्हें ले गया उस दोस्त से मिलवा दिया,
अब क्या करा, तो तुमने बता, उसने कहा भाई संजय भाई कैसे मिलना है, मैंने कहा यार बच्चे हैं थोड़ा 10,000 रुपये चाहिए, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कह रहे ठीक है भाई मैं दे देता हूँ, ध्यान सुन लो, कह रहा भाई मैं देता हूँ, मैं नहीं जानता इन बच्चों को, ये बच्चे कौन है क्या नहीं है, मैं संजय भाई तेरे नाम पे दे रहा हूँ, तेरी गुडविल के नाम, मुझे पता है तू अच्छा इंसान है, तेरे पे भरोसा है, मैंने कहा कोई नहीं तू दे दे टाइम, मुझे तुम्हारे पे भरोसा है। अरे बोल दिया। अब अगर तुम देखोगे तो हो क्या रहा है, जो मेरा दोस्त है मान लो उसका नाम रमेश है, तो रमेश ने आपको लोन दिया, तो रमेश ने आपको लोन दिया तो उसके लिए क्या बन गई एसेट, क्योंकि उससे तो क्या करने पैसे लेने हैं, और आपके लिए क्या बन गई लायबिलिटीज। मेरा तो कुछ रोल नहीं है, या मेरा कुछ रोल है क्या, मेरा आज के डेट में क्या, आज की डेट में मेरे सर पे कोई कर्जा है नहीं है ना, आज की डेट में तो कोई कर्जा नहीं है, मैं आप पे बिलीव करके चल रहा हूँ, वो जो वो मेरे पे, अब क्या है इसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय फर्म, संजय क्लासेस ने गारंटी दी है, गारंटी गिवन बाय द फर्म, फर्म ने गारंटी दे दी। अब एक बात बताओ, कल को अगर तुमने पैसे नहीं, कल को तुमने पैसे दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बताओ कल को अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा सर, वो आपकी तो मुझे मुझे देना पड़ेगा पैसे, बोलो हाँ या ना, yes, क्योंकि उसने तो पहले ही बोल दिया कि संजय भाई, तो दिस इज नोन एज कंटीजन लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटी है, जिसकी आज की डेट में जीरो बुक वैल्यू है, बट विच मे अराइज, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड मस्ट, विच मे अराइज बाय हैपनिंग, और इवेंट क्या घट रही है आप उसको डिनाई कर रहे हो। समझ में आया नहीं है। एक होता है बिल डिस्काउंटेड कराने वाला, वो भी एक एग्जांपल है, व्हाट इज़ बिल डिस्काउंटेड, अब इसके लिए थोड़ा 11th रिकॉल करनी पड़ेगी। मैं बिजनेस हूँ, मैंने आपको उधार सामान बेचा, अच्छा बताओ बिजनेस जिन्हें उधार सामान बेचता है उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर्स। मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस किसी को क्या कर रहा है, उधार सामान दे रहा है, तो मैंने आपको उधार सामान दिया तो आप क्या बन गए, डेटर्स बन गए, जवाब दो यार। अब डेटर बन गए, अब डेटर बनने के बाद फिर क्या हो रहा है बताओ फटाफट, बिल रेज करेंगे। हाँ, मैंने आपके ऊपर क्या करा, बिल बनाया, ध्यान से समझेंगे, तो ये बिजनेस है, तो बिजनेस ने क्या करा, किन्हीं लोगों को उधार सामान दिया, तो जैसे ही उधार सामान दिया तो ये क्या बन गए, डेटर बन गए, डेटर से हमने क्या करने होते हैं पैसे, डेटर क्या होती है हमारी एसेट्स। अब मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, मैंने कहा लिख के दो, तो मैंने आपके ऊपर एक बिल बना दिया जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, एक ऐसा बिल जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो ये बिल है जिसके थ्रू आई विल रिसीव मनी इन द फ्यूचर, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये। अब मैं, ठीक है तुमने एक्सेप्टेंस दे दी, अब मान लेते हैं ये बिल्स हैं, और ये बिल पे तुमने क्या कर दिया, साइन कर दिया, और इस पे क्या कर दिया, तुम लोगों ने मुझे एक्सेप्टेंस दी, अब ये बिल मेरे लिए एसेट्स की तरह है। अब ध्यान से समझना, तुमने बोला सर 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, तो मैं तुम्हें 3 महीने तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता, रीज़न भी क्योंकि मेरी और आपकी बातचीत हुई है, कितने दिन की बातचीत है, 3 महीने तक। अब मुझे आज ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं इन वाले बिल को लेके कहाँ पहुँच सकता हूँ, बैंक में, ये बैंक है हमारे बैग है, बैंक में चला गया, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा प्रमाणित है, इसको वैलिडिटी मिली हुई है, जैसे चेक की वैलिडिटी होती है, हाँ है ना। अब मैं क्या है, इसको ले जाके मैंने कहा जी बैंक साहब ये ले लीजिए, और आप प्लीज़ मुझे क्या करो, पैसे दे। तो बैंक कहता है जी हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी ये बिल तो 10,000 रुपये के, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। तो बैंक तो मुझे, बैंक मेरे को कहेगा भाई देख तेरे को मैं 3 महीने पहले पैसे दे रहा हूँ, तो तेरे से क्या करूँगा, कुछ इंटरेस्ट के चार्ज लूँगा, क्योंकि बैंक समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है। अरे बोल दो यार, समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा हो, हम फिर भी यारी दोस्ती में अपना कर दें, लेकिन बैंक वैंक कुछ नहीं करता ऐसा ध्यान, तो बैंक मुझे क्या करेगा, पैसे दे दे, लेकिन 10,000 के बदले उसने कितने दे दिए, 95,000। समझ में आई बात? अब ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट कराना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझ में आया नहीं है? तो बीआर को डिस्काउंट करा लिया, यानी कि मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। अब एक तरीके देखिए, मैं ये बिल किसके पास जा चुके, बैंक के पास। अब मेरा तो कोई लेना देना नहीं ना इन बिल से। अरे बोलो यार, क्यों? मैंने तो, मेरे लिए जो एसेट थी वो मैंने बैंक को दे दी। अब ये पैसा किससे लेना है, बैंक को भी पैसा किससे लेना है, आप लोगों से लेना है, तुम ही तो डेटर हो मेरे। अरे बोल दो यार। अब एक बात बताओ, बैंक के लिए वो एसेट्स है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बुक्स में इन वाले बिल का नाम अलग रहेगा, तुम्हारी बुक्स में वो क्या रहेंगे, बिल्स पेबल, क्या रहेंगे, बिल्स पेबल, क्योंकि तुम्हें उस इन बिल के थ्रू फ्यूचर में क्या करना है, पैसे देने हैं। बिल्कुल सिंपली समझो, एक ऐसा बिल जिसके थ्रू, जिसको देख के हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, मेरे को देख के इनके, मेरे चेहरे पर क्या आ रही थी, स्माइल, ओह पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो ये तो क्या होगा मेरे लिए, बिल्स रिसीवेबल, एसेट हो गई। अरे बोल दो यार। और तुम्हारे लिए क्या है वो, बिल्स पे, क्योंकि तुमने सामान खरीद रखा है।
अब मैं एसेट थी तो मैं इसका एक वैल्यूएबल चीज अपना कैश लिया है, तभी तो बैंक वालों ने दे दिया मेरे को, अब वो बैंक की एसेट बन गई एक तरीके से। अब एक बात आओ, तुम्हारा और उसका चक्कर है, यानी कि तुम्हें पे करने हैं और बैंक को मिलने, मेरा तो कुछ रोल नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन ये बिल डिस्काउंटेड जो है, आज भी मैं अपनी बुक्स में एज अ कंटीजन लाइबिलिटी दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा मैं? क्यों दिखाऊंगा कंटीजन लाइबिलिटीज? अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि मेरे थ्रू गया है, बिल्कुल सही है। और वो उससे रिकवर नहीं कर पाया तो वापस उसी के पास आया। हाँ, क्योंकि वो कंटिजेंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि कल को अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर मेरे बेटे क्या हो जाएगा बताओ? बैंक तुम्हारे से लड़ाई नहीं करेगा, वो आपके पास आएगा। हाँ, बैंक मेरे अकाउंट में, मुझे पे करने पड़ जाएंगे। समझ पाया? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजन लायबिलिटी का, वो लायबिलिटी जिसकी आज की डेट में निल बुक वैल्यू है बट विच मे अराइज इन द फ्यूचर बाय हैपनिंग और नॉट। इसके लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और 29 भी पढ़ेंगे आगे जाकर। बीकॉम वाले बच्चों से भी अगर कंटीजन लायबिलिटी पूछ लें, एग्जाम्पल पूछ लें, ज़्यादातर बच्चे बता नहीं पाते। इंटरव्यू में मान लो आपसे पूछ लें तो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो चीज़ें थोड़ा अच्छे से पढ़नी है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? देर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट्स। चलो जी सर, तो लाइबिलिटीज़ का सब समझा दिया। एसेट्स कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हमारा अधिकार है, संपत्ति बोलते हैं एसेट्स को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ओन कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, जो हमारे द्वारा ओन है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है और जो हमें क्या दे, बेनिफिट्स दे, और जिसकी क्या होती है, मनी वैल्यू होती है, उसको बेसिकली है। जैसे आईपैड है तो ये इस पे हमारा अधिकार है, बिजनेस का अधिकार है। पहला हो गया ओन। ओन का मतलब कौन है इसका मालिक? ओन। जैसे आपका मोबाइल है तो आपकी एसेट्स है, आपके द्वारा कंट्रोल्ड है, आप उसे अपने हिसाब से चला रहे हो। तो मैं इसको अपने हिसाब से चला रहा हूँ, मुझे लग रहा है तो आई विल यूज़, नहीं लग रहा तो मैं नहीं यूज़ कर। समझ में आ रही है? तो दिस इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एंड विच हैव अ मनी वैल्यू, जिसकी क्या होती है, मनी। इसकी ऑब्वियस सी बात है, मनी वैल्यू। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कैश, मेरे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो माई एसेट। समझ में आया? जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स दे, वो हमारी एसेट्स होती है। जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, दैट इज़ एन एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट अभी बचा हुआ है, एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, आगे ना बीआर। तो ये बीआर क्या था? ये इसीलिए दिया जाता है, याद रहे तुम्हारे दिमाग में। ये इमेजिनरी फिगर्स बनाई जाती हैं, कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, अब आपको इसको देख के याद आ जाएगा क्या है ये, दिस इज बीआर। तो बीआर को सिंपल शब्दों में क्या समझाया मैंने? एक ऐसा बिल जिसके थ्रू पैसे मिलेंगे, जिसको देख के हमारे चेहरे पर क्या आ रही है, स्माइल आ रही है। समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम? मैंने इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, मिलेगी बाद में, तो मैंने आपको पढ़ा दिया पैसे नहीं मिले, दैट इज़ आल्सो माय एसेट्स। चलो जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एसेट्स के टाइप देखो, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्टीशियस एसेट्स, वास्टिंग एसेट। तो व्हाट इज फिक्स एसेट्स? वाली एसेट जो हम लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदते हैं, जो किसके लिए खरीदते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए, जो बिजनेस को चलाने के लिए ली जाती है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। समझ में आया? दीज एसेट्स आर परचेज फॉर लॉन्ग पीरियड, एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। यानी कि जो एसेट्स हम खरीद रहे हैं और हमारे माइंड में एकदम क्लैरिटी है कि सर वी आर गोइंग टू बाय इट फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस। अभी जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड का, तो दैट विल बी आल्सो फिक्स एसेट्स, तो उसमें और अच्छा काम हो जाएगा। बिल्कुल यही वाली सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, बस वही वाला सारा काम कहाँ मिल जाएगा आपको, बोर्ड पर पढ़ा कर। समझ में आया नहीं है? वो उसमें भी 2-3 लाख रुपये लगेंगे। अब आईपैड है, लैपटॉप है, वेबकैम है, फैन है, इन्वर्टर है, कंप्यूटर है, चेयर्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? फिक्स एसेट्स। ये मैंने अपने शौक के लिए नहीं खरीदी हुई, आप समझो मेरी बात। ऐसा नहीं है कि सर अपना भाई मेरा कोई शौक नहीं है, वाई दिस इज, वाई दिस हैज बीन परचेज भाई, क्योंकि इसका यूज़ है। दिस इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस, ऑपरेटिंग द बिजनेस। आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना, अच्छा करना है। अब देखो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और वो रिकॉर्डिंग भी चल रही है इसके अंदर, आप समझ रहे हो कितना कंफर्टेबली चीज़ें हो पा रही हैं। अदरवाइज तो एक बात आओ जरूर, अब हमारे यहाँ पे 300 चेयर हैं, किसी घर में थोड़ी मिलेंगी 300 चेयर। वाई? क्योंकि यार बिजनेस को चलाने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। समझ में आया कुछ है? वेब कैम आपको नहीं जरूरत सर, हमें जरूरत, मोबाइल सबको जरूरत है, वो आपके लिए एसेट्स है, बट हम मोबाइल को भी मोस्टली टाइम्स वी आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। समझ में आया नहीं? तो फिक्स एसेट्स वो एसेट जो हम खरीद रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनी इंटेंशन फॉर रीसेल। जब हम खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी इंटेंशन नहीं है, वो बात अलग, हम बेच दे बाद में। अब मान लो कल कोई अच्छा ना चले, ये बेकार चले, वो हैंग करने लग जाए, मेरा पर्पस ही पूरा ना हो, तो वाई शुड आई कैप्ट इट? समझ में आया? वाई शुड आई यूज इट? समझ में, मैं इसको क्या करूँगा?
निकाल के दूसरा लूँगा, समझ में आया। तो वो सब फिक्स एसेट्स होते हैं, तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एंड बेसिकली करंट एसेट्स क्या होती है, चालू संपत्ति बोलते हैं वो एसेट जो हमने खरीदी है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश। जो हम खरीद रहे हैं फटाफट फटाफट किस में कन्वर्ट करने के लिए, कैश में, जितना जल्दी हो जाए। जैसे अब दुकान, मान लो मेरा टी शर्ट्स बेचने का बिजनेस है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि टी शर्ट्स हमेशा पड़ी रहे, मैं हमेशा क्या चाहूँगा आज लाया हूँ तो कल ही क्या हो बिक जाए, क्योंकि मेरे को टी शर्ट से लगाव नहीं है, मेरे को लगाव किस चीज़ से है, प्रॉफिट से, प्रॉफिट्स कमाए जितने के लाया हूँ भाई पे, अगर मेरे को कुछ प्रॉफिट्स मिल रहा होगा आई विल सेल। एंड दोज एसेट्स विच आर ऑलरेडी हेल्ड बाय द फर्म इन फॉर्म ऑफ कैश एंड दीज आर परचेज फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए खरीदी जाती है करंट एसेट्स, ना कि लॉन्ग, या फिर कोई एसेट्स जो जो एसेट्स ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, वो भी क्या है मेरे बच्चों बताओ, करंट एसेट। एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, टेंजिबल विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, समझ में आई बातें नहीं, उसको बोलते हैं टेंजिबल। लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर कैश वगैरह सब आ जाएगा। वट इज इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन एंड विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं इंटेंजिबल। लाइक गुडविल है, फॉर्मूले हैं, सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं। अब मोबाइल जो है, मोबाइल जो दिख रहा है दिस इज टेंजिबल, इसकी हार्डवेयर हमें दिख रहा है, बट मोबाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे एंड्रॉइड की बात करते हैं, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी सीन, तो वो मेरे बच्चों क्या है इंटेंजिबल हो, समझ में आया कुछ है नहीं है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल, लाइक गुडविल है, तो अब आप लोग यहाँ पर आए हो तो आपको किसी ने बताया, आपने कहीं से सुना कि यार संजय क्लासेस सही है, चलो हम वहाँ चलते हैं पढ़ते हैं, तो दैट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन। गुडविल, पेटेंट्स, रेसिपीज, फॉर्मुलेज, माइनिंग राइट्स, ये सब क्या है हमारे इंटेंजिबल एसेट, समझ में आया। टेंजिबल आपको इतने सारे एग्जांपल दे दिए जो दिख रहे हैं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर। वास्टिंग एसेट्स बेस कह देते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल वगैरह होगा, तो हमें इनको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, समझ में आया। अभी जैसे आप देख सकते हो कि भैया दोबारा पोल्यूशन वाली सिचुएशन हो रही है, तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और इतने सारे लोग हैं, मुझे इतना गंदा लगता है, सुबह सुबह ही जा रहा मैं देख रहा, तो लोग क्या करते हैं सफाई करने के चक्कर में सोचते हैं सफाई, अनपढ़ों की कमी तो है नहीं, कि कितने कितने 50-50, 60-60 साल के लोग हो चुके हैं, थोड़ा कूड़ा करेंगे एंड क्या करेंगे आसपास उसमें आग लगा देंगे, बताओ। इंस्टेड कि उसको उठा के कहीं डस्टबिन में डलवा दो, पन्नी में डाल दो, उठा के ले जाएगा बंदा, वो 40-50 रुपये नहीं खर्च होंगे उनसे या, लेकिन वो क्या सोचते हैं ये एंड है भाई साहब, इतना गंदा सा लगता है कि मतलब कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं। अब वहीं अगर अगर हम कंट्री के पॉइंट पर पेड़ पौधे लगाए जाएं तो उससे क्या होता है थोड़ा सा पोल्यूशन नहीं होगा इतना ज़्यादा जितना दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली वर्ल्ड की क्या है, अभी आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह पढ़ी हो तो वर्ल्ड की नंबर वन पोल्यूटेड सिटी चल रही है इस टाइम जो दिल्ली है। तो हमें जब बोला जाता है कि हमें अपनी नेचर के बारे में सोचना चाहिए, आपको ये गाइडलाइंस दी जाती है कि रेड लाइट पर गाड़ी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्यों, कहीं ना कहीं हम हमें सोसाइटी के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी रहती है, जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलते हैं, समझ में आई बात या नहीं है। तो बेसिकली जो इस तरीके के एसेट्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, देशभक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बना रखिए, दैट इज़ नॉन एज वास्टिंग एसेट्स। उनको हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके लिए हमने कोई ओनरशिप नहीं पे करी है, कोई हमने पैसे नहीं दिए हैं, बट फिर भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिटीजन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री, या तो उसलिए उसको क्या बोला गया, वास्टिंग, समझ में आया नहीं है। अदरवाइज तो पूरी डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करती है। फिक्टीशियस एसेट्स, नकली एसेट्स, वो एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू जीरो होती है, जिसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, समझ में आया। ये बेसिकली लॉसेस होते हैं जो हमारी बुक्स में पड़े हुए हैं, P&L का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, डेबिट बैलेंसेस होने की वजह से ये आपकी बुक्स में आ जाते हैं, समझ में आया। ये एक्चुअली में एसेट्स नहीं है, बट डेबिट बैलेंस होने की वजह से बैलेंस शीट तक पहुंच जाते हैं, जबरदस्ती इनको एसेट्स के रूप में दिखाते हैं। डिस्काउंट अलाउड को राइट ऑफ कर देते हैं, क्या भाई नहीं, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो, बेसिकली हमने एक पैसा खर्च कर दिया एक्सपेंड एडवर्टीजमेंट पर, और जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड में मिलेगा, ये बेसिकली वो खर्च है जो हमने एक बार में, जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। मान लो एक अच्छा खासा अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया, 500,000 रुपये लगा दिए और आपको लग रहा है 5 साल तक आपको बेनिफिट देगा, तो अभी एक ही साल हुआ है, 4 साल का भी बच रहा है,
तो जो 4 साल का जो बचा हुआ है दैट इज अन रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है, वो आपकी एसेट की तरह बनेगा, बट उसको यू कांट रियलाइज देम इन कैश, इसलिए इसको क्या बोला है, क्योंकि वो तो पैसा खर्च हो चुका, मार्केट में होल्डिंग्स लग चुकी हैं, आप उसको बेच थोड़ी सकते हो। फिक्टिशियस एसेट्स जो बिक नहीं सकते, इसकी मार्केट वैल्यू जीरो होती है। इसको हम आगे जाके जब आएगा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी, आप यू कैन से आपने अपने ट्रेनिंग कॉस्ट के लिए एम्प्लॉय को भेज दिया और क्या करा, जा भाई तेरी 5 लाख रुपये लगा दिए उस पर, तो अब आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते कैश में। अब क्या पता आपका एम्प्लॉय टिके या ना टिके, चला जाए, जो पैसा खर्च हो चुका है अब उसको आप एक ही बार में चार्ज नहीं करोगे। आपने आपको उससे एग्रीमेंट हुआ है कि तुझे 5 साल तक काम करना है, आप उसे धीरे धीरे क्या करते हो, चार्ज करते हो, वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। अभी मैं अकाउंटिंग आप लोगों को इतनी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अकाउंटिंग के लिए थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा, जर्नल वगैरह कैसे बनाते हैं, फिर हमारी हो जाएगी जो अगली क्लास में 100% स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो जी सर, तो ये हमारा हो गया है। एंट्री मैंने बता ही दिया था, एंट्री क्या होती है, जर्नल क्या होती है, वाउचर, वाउचर एक एविडेंस है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स इसी के आधार पर रिकॉर्ड होती है, जर्नल वो किताब है जिसमें हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और व्हेन ए ट्रांजेक्शन और इवेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट बिकम्स एंट्री। अब इसके बाद हम रिकॉर्डिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, समझ में आया। अब जैसे कि सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वाउचर है, बहुत सारे हैं, तो इसको अब हम एंटर करें इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। ध्यान से समझते रहो, खत्म करें, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अच्छा, रिकॉर्डिंग हम कौन सी बुक में करते हैं बताओ, रिकॉर्डिंग हम जिस बुक में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल, क्या बोलते हैं, जर्नल। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर दिखाना, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए वी प्रिपेयर अकाउंट्स, हम क्या करते हैं, अकाउंट खाते खोलने पड़ते हैं, जैसे कि रफ रजिस्टर आपकी जर्नल है, रफ रजिस्टर क्या है, जर्नल, वहाँ पर टीचर आ रहा है, लेक्चरर आ रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अकाउंट्स का हुआ, मैथ का हुआ, इको का हुआ, पीए, जो भी हुआ डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो, लेकिन घर पे आके आप क्या करते हो बताओ, अकाउंट्स का काम, अकाउंट्स का काम आप अकाउंट्स की कॉपी में, मैथ का काम मैथ्स की कॉपी में, इको का काम इको की कॉपी, अरे जवाब दो यार। तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, इट सिंपली मीन्स ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम, जस्ट आप सारे आइटम्स को एक जैसा बनाओ एंड मेक दैम and put them in a single place. समझ में आया ना, that is classification. जैसे आजकल अगर हम बात करें किचन की भी बात करें, तो आप किचन का मैं एग्जाम्पल दूँ, तो मॉड्यूलर किचन्स आप लोगों ने देखा हो, तो उन्होंने इस तरीके से बना रखा है कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। आप लोगों ने देखा हो बर्तन रखने का जो रैक होता है, पहले होता था टोकरा, टोकरा देखा है आपने बर्तन रखने वाला, पहले जब हम छोटे थे तो टोकरा चलता, टोकरे में क्या होता था भाई, कटोरी भी डाल दी और थाली सब कुछ डाल दिया एक तरीके से, बस वो ओपन रहता था तो पानी होता था वो निकल जाता था, जब घर बड़े नहीं होते थे, अच्छे नहीं होते थे, छोटे थे, तो टोकरे में हम सारे बर्तन रख देते थे, तो पानी निकल गया चलो, लेकिन हमें कटोरी ढूंढनी है, जो भी है बाउल वगैरह कुछ भी देखना, हमें सारे बर्तनों को निकालना पड़ता था, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आज की बात करें, इनकेस तो मॉड्यूलर किचन की बात करें अच्छा से, तो क्या हो रहा है, इवन जब आप देखोगे ओपन करोगे तो क्या है, चम्मच वगैरह के लिए भी ये क्या है, अलग से वो बना, आप अभी जाके देख लेना आप घर पे, तो आप थाली के लिए क्या कर रखा उन्होंने, अलग वो बना रखा है, समझ आया नहीं, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स सिमिलर नेचर के आइटम्स को एक जगह पर रखना, समझ में आया नहीं। अकाउंट्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन कैसे होती है, अकाउंट्स में हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट्स, हमें बहुत सारे खाते खोलने पड़ते हैं, समझ में आया। और क्लासिफिकेशन जिस बुक में हम करते हैं, फटाफट बताओ, क्लासिफिकेशन जिस बुक में हम करते हैं उस वाली बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर। ये बनाना हमें सीखना है, जर्नल सीखनी जरूरी है, लेजर सीखनी। इधर देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द सेम नेचर ट्रांजेक्शंस एट अ सिंगल प्लेस, इट इज डन बाय ओपनिंग वेरियस। अब आप क्या करोगे, सारे कैश वाले ट्रांजेक्शन को कैश अकाउंट में, सारे राम वाले ट्रांजेक्शन को राम के अकाउंट, सारी मशीनरी वाले ट्रांजेक्शन को आप कहाँ लेके जाओगे, मशीनरी अकाउंट। अरे बोलो हाँ है ना, समझ में आए बने। जैसे कि अब आप ये देखो, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल रही है, पहले जर्नल एक आधा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये देखो ये बना दिया आपने जर्नल एंड लेजर, तो ये सारी की सारी डेट वाइज पहले क्या कर दी हमने, ट्रांजेक्शन को क्या करा, रिकॉर्ड कर दिया। अब ये भी कहते हैं यार इतना तो टाइम नहीं है, बच्चा खुद कर लेगा, तो पहले एक क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने जर्नल बनवा दी, जो मैं आपको बता दूंगा। जर्नल बनाएंगे, देर आर सर्टेन रूल्स, अभी वो आपको नहीं पता कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट करते हैं, जिन्होंने 11th में पढ़ रखा है उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन जर्नल बनाने के बाद व्हाट वी आर डूइंग, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करने, जर्नल बनाने के बाद सारी कैश वाले ट्रांजेक्शन को कहाँ लेकर जा रहे हैं, कैश अकाउंट में।
पता है यहाँ कितने सारे अकाउंट बनेंगे, कैश, कैपिटल, बैंक, रेंट, फर्नीचर। टैली में किया था। हाँ तो ये है ना लेजर, तो ये आ गया कैश अकाउंट आ गया, फिर देखो बैंक आ गया, फिर क्या आ गया कैपिटल आ गया, फिर क्या आ गया परचेज आ गया, समझ में आया नहीं, सेल्स आ गया, तो ऐसे करना पड़ेगा हमारे। हाँ तो ये मैसेज कर दो, मैं सब छुट्टी कर रहा हूँ आपकी, ठीक है भाई। तो व्हाट इज लेजर, लेजर वो किताब होती है जिसमें हम क्या करते हैं मेरे बच्चों बताओ, लेजर इज अ बुक इन विच क्लासिफिकेशन इज डन एंड इट इज डन बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट। अब कोई लेजर पूछे आपसे तो लेजर क्या बताओगे, वो किताब है जिसमें हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, एक जैसे नीचे। लेजर के लिए हमें वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, समझ में आया। मैं बच्चों को एक एग्जांपल और देता हूँ, आपका कॉलेज है, कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, सब कुछ, सब असेंबली हॉल में थे या ग्राउंड में थे, आप क्या हो, चलो भैया सब अपने अपने सेक्शन में चले जाओ। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अलग, बी कॉम वाले बच्चे अलग डिपार्टमेंट में चले गए, एम कॉम जो है बी एस सी वाले अलग चले गए, या इलेवंथ वाला बच्चा इलेवंथ में, टेंथ वाला बच्चा टेंथ में, ट्वेल्थ वाला बच्चा ट्वेल्थ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। हर किसी के लिए एक अलग अलग रूम बना हुआ है, समझ में आया। तो हम पहले तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, बट आफ्टर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड हम जर्नल में कर देंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में करेंगे, लेजर में। समझ में आया, कुछ है नहीं है। और ये अकाउंटिंग करनी है, ये खाली थ्योरी नहीं चल रही है, वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल, वी हैव टू प्रिपेयर लेजर, समझ में आया। आपको जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें कहीं पे या तो जर्नल मांगेगा या कहीं पे अकाउंट मांगेगा, यही आपकी अकाउंटिंग रहेगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है अकाउंट क्या है, खाता क्या होता है, तो व्हाट इज़ अकाउंट, तो अकाउंट का मतलब है, जैसे आपने पांच रजिस्टर बनाए, मैथ का रजिस्टर बनाया, इको का बनाया, बीएस का बनाया, तो मैथ्स का जो रजिस्टर है उसको यू कैन से मैथ्स अकाउंट, तो यानी कि जिसमें सारी एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन्स को दिखाया गया, समझ में आया। यानी कि कैश अकाउंट क्या होगा, एक ऐसा अकाउंट जिसमें सारी कौन सी ट्रांजेक्शन दिखाई गई है, कैश वाली। मशीनरी अकाउंट क्या है, इसमें सारी मशीनरी की ट्रांजेक्शन्स को दिखाया जाए। अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होता है। अब आप लोग को स्केल भी लेना है और साथ में कैलकुलेटर भी अपना रखना, पेपर में कैलकुलेटर तुम्हारे लिए अलाउड है, बाकी इलेवन ट्वेल्थ में नहीं होता। अब अकाउंट का फॉर्मेट देख लो कैसा होता है, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन्स आर ग्रुप टुगेदर लेफ्ट हैंड साइड। अब अकाउंट इस तरीके का होता है, ये बेसिकली अकाउंट है, समझ आ रहा है जी, ठीक है। डेट पार्टिकुलर्स JF रुपीस, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, JF जनरल फोलियो होता है, जनरल से लेकर जाते हैं उठाकर हम, जनरल बुक से, तो बाकी जरूरत नहीं होती, बताऊंगा आगे जाके। देखो इधर यहाँ पर, तो ये क्या है मेरे बच्चों बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड है डेट पार्टिकुलर JF रुपीस, और फिर यही वाला है, सेम इधर है डेट पार्टिकुलर JF रुपीस, समझ में आया नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। कोई आपको बोले डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट का कोई मतलब लेना नहीं है, क्रेडिट का कोई मतलब देना नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई आपको लेना देना बता रहा है डेबिट और क्रेडिट का मतलब, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। डेबिट बेसिकली एक अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होती है, एंड क्रेडिट बेसिकली क्या होती है, राइट हैंड साइड पार्ट होती है, समझ में आया नहीं है। अगर हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो कहा जाता है अकाउंट इज डेबिटेड, क्या कहा जाता है, अकाउंट इज डेबिट। और अगर हम किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री डालते हैं तो कहा जाता है अकाउंट इज क्रेडिटेड। बात समझ में आई या नहीं है, क्लियर है। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेबिट का मतलब लेना देना नहीं है, डेबिट को मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ कि डेबिट ना मात्राओं की तरह है। डेबिट किसकी तरह है, मात्राओं की तरह। अकाउंटिंग टर्म्स तुमने सीख लिए, बट यू डोंट नो कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो फिर नहीं समझ पाओगे। अकाउंट्स में कुछ नहीं है, अकाउंट्स में कोई रूल, जैसे इंग्लिश में देर आर सर्टेन रूल्स, टेंसेज वगैरह थे, मोडल्स थे, उसके पता चल रहा था। खाली इंग्लिश के वर्ड सीखने से वी कांट कम्युनिकेट। अरे बोलो यार, भाई हिंदी में अगर हम बात करें, अगर आप का खा गा गा ढा चा छा जा बा फा बा मा ये सब सीख लोगे, इससे यू कांट कम्युनिकेट। यू हैव टू लर्न, क्या सीखनी पड़ेगी, मात्राएं, कै का की कू कू ये सब सीखा था, मात्राएं हमने सीखी थी। तो अकाउंट्स में खाली बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखने से यू कांट अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग। अकाउंट्स को जो कम्युनिकेटिव बनाता है, वो क्या बनाता है, दो ही चीज़ बनाते हैं, वो क्या है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब इसके लिए कुछ रूल्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, देयर आर सर्टेन रूल्स, तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स रहेंगे। समझ में आया नहीं है, तो सब कुछ लिखा है। व्हाट इज डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट, इट इज डेयर फ्रॉम इटालियन वर्ड डेबिटो, जब किसी एंट्री को डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं तो कहा जाता है अकाउंट इज डेबिटेड, किसी अकाउंट को क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं
तो काया अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट समझा रखा। गेन क्या होता है? गेन वो प्रॉफिट है जो इरेगुलर नेचर का, वो प्रॉफिट जो हमें रोज रोज नहीं होता। समझ में आया? लाइक अभी आज रोड पे जा रहे हो, आपको 500 का नोट दिख जाए, आप तुरंत उठा लोगे। समझ, मेरी कोई प्रॉपर्टी बिक जाए अच्छे प्राइस पे, दैट इज माय गेन। लॉस वो है जो हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, यानी कि जब हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे किससे, रेवेन्यू से, तो हम किस में चले जाएंगे, लॉस। समझ में आया? नहीं है। एंड बट इज कॉस्ट, कॉस्ट की अगर हम सिंपली बात करते हैं, किसी आइटम को जो हम खरीद रहे हैं, किसी आइटम पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, कॉस्ट, बुक वैल्यू, कोई आइटम हमारी बुक्स में किस वैल्यू पर पड़ा हुआ है, किस वैल्यू, क्या उसकी वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता हमें अकाउंट्स में, बट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ये सब क्या हो जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपने सामान बेचा उसके क्या कॉस्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स पूरा चैप्टर आएगा, इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, P&L आएगा और बैलेंस शीट। बट इस ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो मोटा मोटा प्रॉफिट शो करे, मोटा मोटा लॉस। बट इज मोटा मोटा प्रॉफिट, मोटा मोटा लॉस, विच शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एंड बट इज बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट है एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ की, जो क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजिशन। पूरा चैप्टर आएगा, वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। BR एक ऐसा बिल जिसको देख के हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, एक ऐसा बिल जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। डेटर, अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में अंदर बेसिकली डेटर भी आ जाएगा, इसके अंदर BR भी आ जाएंगे। बिल्स पेबल, एक ऐसा बिल जिसके थ्रू फ्यूचर में हमें पेमेंट, आपके लिए BP था वो, याद करो जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि आपको उसके थ्रू फ्यूचर में एक पार्टिकुलर डेट पे क्या करनी है, पेमेंट करना है। समझ में आया? कुछ है नहीं है। डिस्काउंट, ऑलरेडी एक्सप्लेन, डेप्रिशिएशन, जब हम किसी एसेट को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो होती है गिरावट, बेसिकली फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट, दैट इज डेप्रिशिएशन। समझ में आया? एंटिटी, संजय क्लासेस, रिलायंस, मारुति सुजुकी, बिजनेस किस नाम से चल रहा है, दैट इज एंटिटी। रिबेट उस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। स्टॉक इन्वेंट्री, कोई आइटम आपकी बुक्स में किस किस वैल्यू का पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है, जो भी टेंजिबल चीज़ें होती हैं जो एंटरप्राइज ने अपने पास रखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, प्रोडक्शन करने के लिए, बेसिकली इन्वेंट। अब इन्वेंट्री में ओपनिंग भी आता है और क्लोजिंग। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास अवेलेबल पड़ा हो उसको ओपनिंग बोलेंगे, जो साल के एंड में उसको बोलते हैं क्लोजिंग। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम काम धंधा कर रहे हैं उससे जो हमारे पास आ रहा है रिवेन्यू, लाइक सेल ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर जो संजय क्लासेस का मेन रिवेन्यू है वो क्या है, बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विस। यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है, अभी ऊपर जाएंगे अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे तो छोटे बच्चों की क्लास चल रही है, शाम को 4 बजे से 9 बजे तक क्लासेस चलती रही, टीचर है, मैनेजमेंट है, तो वी आर रेंडरिंग द सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन से जो रिवेन्यू आता है मेहनत करके, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड मी द फीस। समझ में आई? सुबह सुबह वो बंदा दुकान खोल के बैठ जाता है 6 बजे, बिकॉज दे आर गिविंग देयर एफर्ट्स, तो उसकी वजह से जो दे आर जनरेटिंग द रिवेन्यू। समझ में आया? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए जिसका भी बेनिफिट नहीं लिया है, मैंने अभी से इनको अगले साल का रेंट दे दिया, मैंने कहा बार बार चिकर पिकर करते रहते तो पकड़ो ये एडवांस रेंट, तो ये एडवांस रेंट जो मैंने दे दिया दैट इज़ माय एसेट, क्योंकि अभी मैंने उसका बेनिफिट नहीं लिया है, इसको हम फाइनल अकाउंट्स में अच्छे समझेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बकाया खर्चे जिसका बेनिफिट ले लिया है बट जिसकी अभी पेमेंट करनी बाकी। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? जो हमने पैसा खर्च किया है, जो भी हमने पैसा खर्च करा है या जो मेरे ऊपर लायबिलिटीज आई है, दैट इज़ माई एक्सपेंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, रिवेन्यू एक्सपेंड, कैपिटल समझा ही दिया, कल अच्छे से और कर लेंगे। पैसा खर्च किया फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रिवेन्यू, फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस, एक बार खर्चा कर दिया और बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग पीरियड तक। अरे बोल दो यार, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, iPad, मोबाइल, आप लोगों ने बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है, कनेक्ट करा करो यार चीज़ों को। मोबाइल में आप रिचार्ज कराओगे, दैट इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने गाड़ी खरीद ली, कैपिटल, लेकिन पेट्रोल डलाऊंगा, रिवेन्यू बार बार होगा, एक एक 500 का पेट्रोल डलाया फिर खत्म हो जाए फिर डलवाना पड़ेगा, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर अ सिंगल टाइम, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। समझ में आ गई बात है ना जी? समझ। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो हमने एक बार इनकर्ड कर दिया फ्यूज अमाउंट में बट विच इज गोइंग टू प्रोवाइड अस द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग, बदले में कुछ नहीं आया। अगर बदले में कुछ टेंजिबल चीज आ जाती फिर तो वो क्या बन जाता? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कर दिए, तो इसका बेनिफिट लगे। रिवेन्यू रिसिप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन, मेहनत कर करके जो आपसे पैसा कमा रहा हूँ। समझ में आया? रिवेन्यू, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? लोन ले लिया कहीं से, बिल्डिंग बेच के पैसा कमा लिया हुआ। क्या बात है सर, आपने तो पूरा चैप्टर आज खत्म कर दिया। अरे चैप्टर के साथ साथ बहुत कुछ खत्म कर दिया, 4-5 प्रिंसिपल्स भी करा दिए। समझ आया नहीं है? अब देखो ये जो है, बाकी ये आपके लिए एक्स्ट्रा है,
जितने बच्चों को ये करने हैं, आपके में तो नहीं है ये, मैं ये वाले भी ग्रुप में शेयर कर रखे हैं। वैसे ज़्यादा मन करे तो उसको पढ़ सकते हो, डेली बेसिस पे जो जो समझ में आए उसको पूछ सकते हो। तो मेरे बच्चों, आपका एक चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से अब ख़त्म हो चुका है। अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, डाउट्स आएगी, तो मैं उसको भी आगे आने वाले चैप्टर्स में जब मैं ये टर्म यूज़ करूँगा, डेट, क्रेडिटर, बैड डेट्स, रिकवर्ड एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटीज़, कंटीजन लायबिलिटीज़, बुक वैल्यू, एंटिटी, तो मैं आपके साथ एटलीस्ट ऐसा नहीं मान के चलूँगा कि नहीं यार तुम फैमिलियर नहीं हो। समझ में आया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, अभी और भी प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्टिंग की 5 क्लासेस हम बेसिक्स पे लगाते हैं, 2-3 क्लासेस हो चुके हैं। अब अगले क्लास में हम एक चैप्टर और करेंगे और साथ में सारे के सारे प्रिंसिपल्स निपटा दूंगा, सो दैट थोड़ा सा और बेस बन जाए, फिर जनरल भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी देखो भाई क्लासेस आपकी इसी तरीके से चलेंगी जैसे अभी आप